सहनावतु सहनौ पुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मीमांसा दर्शन की 263वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के छठे अध्याय का प्रथम पाठ चल रहा है और इसमें हमने पिछली कक्षा में सातवें अधिकरण तक देख लिया था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओम आचार्य जी, अभी पीछे एक अधिकरण आया था जिसमें कि ये बताया गया था कि मतलब दोनों दंपति मिल करके याग कर सकते हैं, मतलब पत्नी का भी उसमें अधिकार है याग करने का, वो भी स्वामिनी है, परंतु वहाँ पर ये था कि दोनों साथ साथ में मिलके कर सकते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो अकेले कर सकती है? अकेले नहीं कर सकते, साथ साथ में ही होगा। और कुछ कर्म पत्नी करेगी कुछ पति करेगा ये तो ठीक है, लेकिन करेंगे साथ साथ ही, तो अकेले के लिए नहीं है। पुरुष भी अकेले याग नहीं कर सकता और स्त्री भी अकेले नहीं कर सकती, दोनों मिलकर के ही कर सकते, दोनों मिलकर ही करेंगे। हाँ, इस दृष्टि से मतलब दोनों का समान ही होगा। पृष्ठ संख्या 44 उत्तर 1600 1640 अंतर प्रथमा पंक्ति तस्मात् प्रतिषिद्धस्य पत्न्या अध्ययनस्य पुनः प्रसवे न किंचिदस्ति प्रमाणम्। तो तस्मात् प्रतिषिद्धस्य को प्रतिषिद्धम वर्तते, ये इन्होंने लिखा नहीं है लेकिन अन्यत्र मान के चलिए यहाँ पर उनके लिए प्रतिषिद्ध है। तो वो प्रामाणिक नहीं मानेंगे ना स्वामी जी। गौतम धर्म सूत्र का स्त्री शूद्रो नाधियाताम, ठीक है। चतुर्थी पंक्ति इस अस्मिन् एव पृष्ठे अंते लिखितम अस्ति तस्मात् लिंगम अपि अविवक्षितम्। कस्य लिंग शब्दस्य लिंगम उत यजमान यजमान पत्नी इति अस्मिन् विषये अत्र उच्यते। हाँ नहीं, इसके अंदर शब्द के अंदर दोनों यानी स्त्री पुरुष दोनों का जो ग्रहण है, तो स्वर्ग काम ये जो शब्द आया तो उसमें जो लिंग है वो अविवक्षित है, क्योंकि वो उपादेयत्व के रूप में नहीं, न च तत्र उपादेयत्व न यजमानस्य श्रवणम, उपादेय के रूप में यजमान का श्रवण नहीं है, यानी तो वो अनुवाद है, और अनुवाद है तो फिर उसमें दोनों बातें हो सकती हैं। जो इन्होंने कहा था कि दोनों पुरुषों का ग्रहण होगा वो तभी हो सकता है जब वो विधि ना हो, विधि ना हो करके, विधि होगी तो दो पुरुष ही आ जाएंगे, अगर अनुवाद है तो स्त्री पुरुष दोनों का ग्रहण हो सकता है उसमें, तो ये उपादेय के रूप में यानी विधि के रूप में तो है नहीं, इसलिए कह रहे हैं संभावना है वहां पर दोनों को होने की, यदि अन्य संकेत भी पुष्टिकारक मिल रहे हैं। द्विचत्वारिंशत् पृष्ठ संख्या 1642। हाँ, विवरणे चतुर्थी पंक्ति द्वितीय परिच्छेदम इस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जब सूत्रकार जैमिनी के समय में अनेक सांगोपांग अधित वेद अनेक ब्रह्मवादिनियां विद्यमान थी, तब भगवान जैमिनी भला पत्नी की अतुल्यता विद्या रहित होना कैसा स्वीकार कर सकते हैं? तो अत्र मम प्रश्न कि पत्नी की अतुल्यता विषय तो जैमिनी ऋषि लिखितमेव अस्ति सूत्रे वर्तते, पुनः एवं कथम मीमांसक महोदय न उच्यते। मानते हैं कि चूंकि वहां उस समय अनेक ब्रह्मवादिनियां थीं तो उनको अध्ययन का अधिकार था। इसमें यह समझना चाहिए देखिए कि स्त्रियों को अध्ययन का यानी चारों वेदों का अधिकार है या नहीं है, ये जब बात आती है तो एक दृष्टि से तो कहा जाता है कि अधिकार है, दूसरी दृष्टि से कहा जाता है कि नहीं है। अब इसमें
ब्रह्मवादिनी ऋषिकाएं और विदुषियां थीं जो इनकी ज्ञाता थी, जानती थी, वो पढ़ी भी लिखी थी। दो बात है, एक तो कि जब हमारे यहाँ विवाह की आयु बताई जाती है वैदिक रीति से, तो स्त्री की विवाह की आयु 16 से लेकर 24 साल बताई गई है, इस बीच में उसको विवाह कर लेना चाहिए, और पुरुष की 24 से लेकर के 48 तक मानी गई है। तो 16 साल की लड़की, 24 साल का लड़का, अब उधर 20 साल की लड़की, 36 साल का लड़का लगभग, और उधर 24 साल की लड़की और 48 साल का लड़का, ये उसके अंदर अंतर है, ठीक है। और वेद के अध्ययन के लिए जितना समय चाहिए, अब किसी लड़की का विवाह 16 से 24 के बीच में हो गया तो वो उस दृष्टि से गुरुकुल में रहते हुए तो अधिक अध्ययन कर नहीं पाएगी, ठीक है, स्वाध्याय के रूप में गृहस्थी में जा करके भी वहाँ कर पा सकती है, नहीं कर पा सकती है तो आगे की बात है, गृह कार्य हो या और कुछ कार्य करे वो। तो ये जो चारों वेदों का अध्ययन या अधिक अध्ययन है, ये उन स्त्रियों में देखा जाएगा जो विवाह नहीं करती हैं। अगर वो विवाह ना करे तो ठीक है, पढ़ती रहेगी 30 साल 40 साल तक, कोई उसको मना नहीं कर रहा है, पढ़ती चली जा रही है, पुरुष भी पढ़ रहा है, स्त्री भी पढ़ रही है, इस दृष्टि से दोनों को पढ़ने का अधिकार है। लेकिन यदि उसको गृहस्थ में जाना है तब वो उसको विद्या गुरुकुल को छोड़ के, विद्या अध्ययन को छोड़ करके घर पे जाएगी, वो अध्ययन तो गुरुकुलों में ही होगा, घर पे वो अध्ययन कर नहीं सकती है। तो इस दृष्टि से उनका चूंकि अधिकार, वो अध्ययन हो ही नहीं पाता है, समय ही नहीं है, और ये जो विवाह का काल है ये उनके प्रजनन काल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उनका प्रजनन काल 40-45 तक समाप्त हो जाता है, और ठीक प्रजनन काल ये इस समय में है, 16 के 18 के बाद में और 24 तक, और आप लगा लो 30 तक, उसके आगे तो कठिनाई होती है प्रजनन में, और संतान भी उतनी अच्छी नहीं होती, तो बहुत जल्दी भी नहीं हो सकता है, देर से भी नहीं हो सकता है। इसलिए विवाह की आयु उनकी, ईश्वरीय व्यवस्था ही ऐसी है, यानी शरीर ही ऐसा है, इसलिए विवाह की आयु उनकी ये रखी गई, नहीं तो दोनों की उनकी भी बढ़ा करके रख सकते थे। लेकिन पुरुषों में ये बाध्यता नहीं है, वो बड़ी अवस्था वाले भी संतानोत्पत्ति कर सकते हैं, तो इसलिए उनको पढ़ने के लिए और समय दिया गया है कि वो तो पढ़ लेंगे, और पढ़ने के बाद भी अगर वो विवाह करेंगे तो भी वो अपना गृहस्थ चला सकते हैं। लेकिन महिला 48 साल तक यदि पढ़ेगी तो उसकी संतानोत्पत्ति तो नहीं हो पाएगी, नाम मात्र नगण्य, कोई अपवाद स्वरूप हो जाए तो हो जाए, नहीं तो नहीं हो पाएगी। और इतने समय तक ब्रह्मचारिणी रही है 40-45-48 साल तक, तो ऐसे में संतान की उत्पत्ति भी, शरीर भी तो इस अवस्था में थोड़ा लचकीला नहीं रहता है ना, तो संतान उत्पत्ति में बहुत दिक्कत आएगी। प्रारंभ में तो लचकीला रहता है तो प्रसव के समय सुविधा रहती है, शरीर फैल जाता है, हड्डियां रहती हैं फैल जाती है तो बच्चा निकल सकता है, नहीं तो दिक्कत आती है उसके अंदर बड़ी आयु के अंदर, फिर उसके इसके जीवन पे भी खतरा आ जाता है अगर ज़्यादा दिक्कत हो, और फिर ऐसे में या तो बच्चा निकल नहीं पाए तो या तो बच्चा मरेगा, या तो माँ को या तो चीरा लगा के ऑपरेशन करके, जैसे आजकल होता है पेट चीर करके, वो फिर कुछ करना पड़ेगा, शल्य क्रिया करनी पड़ेगी, ये सारी स्थिति में। तो महिलाओं के विवाह का काल चूंकि पहले है तो स्वभावतः ही उनके अध्ययन का क्षेत्र कम हो गया, और पुरुष आगे आगे कर सकता है। तो इस दृष्टि से हम देखेंगे तो यूं किसी को अध्ययन का मना नहीं है, लेकिन उनके पास अध्ययन का समय ही नहीं है, वो गृहस्थी में चली गई हैं, गृहस्थी में नहीं गई हैं तो पढ़ती रहें, कितनी भी पढ़ती रहें, यूं मना भी नहीं है उनको, उस दृष्टि से थोड़ा देखा जा सकता है इसको। हाँ, मीमांसक महोदय से टिप्पणी जैमिनी महोदय से उक्ति उपरि विपरीतम अस्ति इति, ये तो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, प्रश्न खड़ा किया है, वो कैसे स्वीकार कर सकते हैं विद्या रहित होना, ठीक है कोई बात नहीं। इसमें हाँ, वास्तव में ये प्रश्न नहीं है, ये व्यंग्य के रूप में कहा हुआ कथन है, क्योंकि 1641 पृष्ठ पर मीमांसक जी ने ये लिखा है विवरण में नीचे से दूसरे अनुच्छेद में। अब विचारणीय रहता है मीमांसा सूत्रकार का सूत्र, और इसमें उसका व्याख्या भी की है कि कैसे ये संगत हो जाएगा। ऐसा करते हुए यदि कोई फिर भी ये कहे कि नहीं ये अतुल्यता की बात कही ही जा रही है, तब उसके लिए कहा है कि जैमिनी मुनि ऐसा कैसे कह सकते हैं, ये इस प्रकार का कथन है। यहाँ स्पष्ट लिखा है कि यहाँ आशी और ब्रह्मचर्य के विधान में सूत्र का तात्पर्य है, अन्य के प्रतिषेध में नहीं है। हाँ, इसको कैसे स्वीकार कर सकते हैं अर्थात नहीं स्वीकार कर सकते, ये कहना चाह रहे हैं, वो स्वीकार ही नहीं कर सकते, यानी उनका ये तात्पर्य है ही नहीं,
उनका ये तात्पर्य नहीं है, व्यंग नहीं है, लेकिन उनकी ये कह रहे हैं कि उनका ये तात्पर्य हो ही नहीं सकता है। लोग जो ऐसा अर्थ निकालते हैं सूत्रकार का, वो ऐसा तात्पर्य हो ही नहीं सकता है उनका। ये तो दूसरी चीजों में भेद रहेगा ना, विद्या को छोड़ करके। नहीं, सूत्र से, सूत्र जो शब्द अस्ति अतुल्य, सूत्र में कौन सा शब्द है बताओ? अतुल्यत्वात्। हाँ, अतुल्य है तो अतुल्यता दूसरी चीजों में हो जाएगी ना, विद्या की अतुल्यता ना लेकर के। ये जो पुमान और स्त्री दो बातें कही थी, यजमान है पुमान विद्वांश्च और पत्नी स्त्री च अविद्याच, तो स्त्री पुरुष का भेद तो है ही अतुल्य होने से, और अतुल्यता आप दूसरी दृष्टि से देख लीजिए, विवाह आदि की दृष्टि से। और उतना देखो, अविद्या का मतलब यहाँ जो एक बात मैंने आपको अभी रखी, विद्या आयु की दृष्टि से, विवाह की दृष्टि से, तो उस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि पुरुष तो अधिक विद्या वाला हो सकता है क्योंकि उसके विवाह की चिंता नहीं है अभी, स्त्री उतनी विद्या वाली नहीं हो सकती। अपेक्षा से अविद्या युक्त मतलब अल्प विद्या अर्थ लेना चाहिए। ये जो इसमें चर्चा है, यजमान पुमान विद्वांश पत्नी स्त्री सा विद्या चाहिए, तो भाष्यकार की व्याख्या है, सूत्रकार की नहीं है। सूत्रकार ने तो केवल अतुल्यत्वात लिखा है आशी और ब्रह्मचर्य के साथ, और उसी को मीमांसक जी ने खोला भी है 1641 पृष्ठ पर नीचे से दूसरे अनुच्छेद में, और वहां स्पष्ट लिखते हैं दूसरी पंक्ति के अंत से, अतुल्यत्वात हेतु पत्नी के विद्या रहितत्व की ओर संकेत नहीं करता, अपितु स्त्री और पुरुष में जो स्वाभाविक नैसर्गिक भेद है उसकी ओर संकेत करता है। यथा केशश्मश्रु वपदे नखा निकृतते, विधियों में केशश्मश्रु पद में समार द्वंद होने से, जिसमें केश और श्मश्रु दोनों हैं, उनका वपन संस्कार होता है। स्त्री का दाढ़ी मूछ के भाव होने से वपन संस्कार नहीं होता। यथा नख दोनों के हैं, अतः नख निकृतन संस्कार दोनों के होते हैं। इस प्रकार की अतुल्यता है। ठीक है, आजकल बहुत सारे जो पहले लोग होते हैं कि भाई पढ़ाई कब कर रहे थे, पढ़ाई में अच्छी थी लड़कियां, और फिर बाद में बोले बस उसके बाद तो शादी हो गई तो पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ सकती थी वो, पढ़ने को बना भी नहीं था, लेकिन शादी हो गई और फिर उसके बाद में अपनी बाध्यताएं रहती हैं परिवार की, नहीं पढ़ पाए। हालांकि आजकल सुविधा है, फिर भी पढ़ लेते हैं, तो जो पढ़ना चाहती हैं पढ़ भी लेती हैं, लेकिन अपेक्षा से तो कम रह ही जाता है। अब आजकल तो विवाह भी तो देरी से होने लग गए, तो इसलिए उनको अवसर मिल जाता है, और वो विवाह पूरा पढ़ाई करके आजकल करती ही नहीं है वो। जब तक हमारी पढ़ाई पूरी नहीं होगी हम नहीं करेंगे, नौकरी लगेगी तब करेंगे, तो 30-35 में विवाह हो ही रहे हैं तब तक वो पढ़ लेती हैं काफी। यथा अत्र केवल आशीर और ब्रह्मचर्य आदि व्रतेषु स्त्रीणाम अधिकारो अस्ति, अन्य कर्मेषु नास्ति, पुण्य फलम कथम भविष्यति? पुण्यफल, पुण्यफल तो दोनों का ही बराबर होगा। यहाँ कर्म करते समय यथा योग्य कर्म कर रहे हैं, द्रव्य दोनों का सम्मिलित है, स्व का त्याग दोनों का समान है, तो फल तो दोनों को मिलेगा, दोनों को मिलेगा। वो इतना यहाँ कहा नहीं है, लेकिन मध्यस्थ मान करके चलते हैं तो हम दोनों को मानेंगे। पत्नी भी तो बैठी रहती है वहां पर, आपने सोमयाग में देखा है, उपवेश मात्र भी तो ठीक है उनके हिसाब से, इतना कोई हो नहीं होता है। जब समान होते हैं ना, मित्रता होती है, अपनापन होता है, तो कोई ज्यादा भी कर रहा है तो कोई कम भी कर रहा है, तो वो उसमें कुछ नहीं। और कहीं घर घर के अंदर वो भी तो काम करती रहती है, ये बैठे बैठे फिर खाना खा लेते हैं और बस चलते हैं, वो भोजन भी लेके आएंगी, बनाएंगी भी, फिर बर्तन भी मांजेंगी, ये भी करेंगी, कहीं वो भी अधिक काम करती हैं और पति बैठा रहता है, थोड़ा बहुत काम कर दिया, सब्जी ले आया, इधर उधर उठा के कुछ कर दिया, तो वो तो दोनों का है। किसी क्षेत्र में पति अधिक काम करता है, किसी क्षेत्र में पत्नी अधिक काम करती है। आदिवसम आजीवनम पति एव कार्यम करोति, पति यहां तक पत्नी भी तो करती है ना घर के ऊपर। पत्नी आकर, पति ठीक है दिन में कमा करके आ गया, घर पे आकर के बैठता है वो, पैर फैला करके, पानी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, वहां तो पत्नी कर ही रही है ना। 10% नहीं, 10% क्यों? 10% तो नहीं, वो पीछे से करना होता है, देखभाल भी करनी होती है पत्नी को। ठीक है, ये हर परिवार का अलग अलग रहता है, किसी परिवार में घर पे बहुत काम होता है और किसी में नहीं होता है। आजकल धन रहता है तो सेवक सेविकाएं रहती हैं, बहुत सारा काम तो वही कर जाती हैं, तो पत्नी को कुछ नहीं करना था सिवाय टेलीविजन देखने के, या कुछ और फोन करेंगे, फिर ये करेंगे, पत्र पत्रिकाएं पढ़ेंगे, तो थोड़ा बहुत काम रहता है, कोई ज्यादा नहीं थे ऐसा। पुण्य फले अपि भेद स्यात् अन्यथा अन्याय भविष्यति। ठीक है, 45 पृष्ठ से 1645 चतुर्थी पंक्ति, आहवनियादय न शूद्रस्य अविधानात् संस्कार शब्दात् च आहवनियादिनां।
आवनियादय न शूद्र से अभिधानात अभिधानात आवनियादयो न शूद्र से अवनी आदि शूद्र के नहीं होते, ये प्रतिज्ञा है, हेतु है अभिधानात विधान न होने से, एक बात। और साथ में ये भी कह दिया कि ये जो अवनी आदि है ये संस्कार शब्द है, कोई ये सोचे कि अग्नि तो उनके घर में रहती है खाना वाना बनाने के लिए उसी में कर लेंगे, नहीं, ये संस्कार से युक्त अग्नि रहती है उसी में यज्ञ आदि किए जाते हैं, किसी भी अग्नि में नहीं किए जाते। असे हिंदी नास्ती है, हिंदी छूटी हुई है। हो गया, ठीक है, और कोई? रणजीत जी। जी आचार्य जी, जो पीछे अधिकरण आया था तो इस अधिकरण में शूद्र को निवारण करने के लिए या उसका निषेध के लिए कोई वाक्य नहीं पढ़ा कि शूद्र को अधिकार नहीं है, निषेध का कोई वाक्य नहीं मिला। हाँ। तो, और न ही नियमन किया है, तो फिर इसमें शूद्र का अपवारण क्यों मानेंगे, उसको भी अधिकार देना चाहिए क्योंकि ऐसी तो कोई श्रुति है ही नहीं हमारे पास। नहीं, निषेध की श्रुति नहीं है, लेकिन जो आधान की विधि की गई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की, तो वह उन्हीं का ही आधान है और किसी का नहीं हो सकता है, और दूसरे हेतु है उसमें, क्योंकि वो जानता नहीं है इसके कारण से, अज्ञानता के कारण वो कार्य नहीं कर सकता है। अब कोई इतने इतने हवाई जहाज चलाते हैं और चलाते हैं, कुछ विशेष कार्य होते हैं, भाई कौन चला सकता है इसको, नहीं हर कोई तो ना चला सकता है, हर कोई किसी को सामर्थ्य नहीं, कर ही नहीं सकते, उसकी योग्यता होनी चाहिए उन यंत्रों को चलाने की। हाँ जी, वो जो यजमान होता है ब्राह्मण वैश्य या क्षत्रिय, तो उसमें भी तो जी सारे काम वो थोड़ी करता है, वो ऋत्विक के अनुसार ही करने होते हैं, ऋत्विक करवाते हैं कुछ वो भी करता है, तो जो काम इसको करने होते हैं और उसको पता भी रहता है, जानता है वो सारे काम कब कब क्या है, कैसे करने हैं, मंत्रोच्चारण करना है, ये करना है, ठीक है, ऋत्विक तो करते ही हैं, इसलिए तो महर्षि दयानंद ने लिखा है कि भाई जो बिल्कुल नहीं जानता वो भी यज्ञ करे, और नहीं तो मंत्र पाठ कोई और करे, वो आहुतियां देवे, उतने अंश में स्वीकार्य किया करवाया है ना स्वामी दयानंद जी ने, लेकिन उस समय में जो पूरा कर्मकांड है उसको, और वो कार्य ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है उसको पता होना चाहिए ना सारा कि क्या क्या चल रहा है, नहीं पता है तो वो भले ही ऋत्विक कर रहे हैं लेकिन उसको जानकारी रहती है सारी चीजों की। जी जी, और इसमें दो मत आए थे, एक आचार्य अत्रेय का मत, आत्रेय का मत आया था, और एक बाद्री का है, एक आत्रेय और बाद्री का। हाँ, बाद्री ने उन वाक्यों को निमित्तार्थ कहा था, ये निमित्तार्थ है और उन्होंने उसको विधान माना था, तो जी इससे भी ये लग रहा है कि पहले भी ऐसे कुछ यानी कि मतों में भिन्नता थी आचार्यों की। भिन्नता तो रही है लेकिन अंततः तो इन्होंने इसको आधान का माना है, फिर अपना इसका हालांकि खंडन भी किया है युधिष्ठिर जी ने कुतूल वृत्ति के अनुसार, कि कुतूल वृत्तिकार ने कहा कि ये आधान का नहीं है, वसंते 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 ब्राह्मणो अग्निम आददित, ये निमित्तार्थी है, ये विधान नहीं है, उत्पत्ति वाक्य नहीं है, ये ऐसा उन्होंने कहा भी है, तो इसमें मतभिन्नता औरों में भी टीकाकारों में रही है, पर जो यहाँ लिखा है हमने देख लिया, कोई बात नहीं। ठीक है, धन्यवाद। ओम आचार्य जी, वो स्त्री को निषेध करने वाला वचन वो मेरे से गलती से निकल गया, गौतम धर्म सूत्र का है, वो दूसरा वचन जो शूद्र के विषय में है वो गौतम धर्म सूत्र का है, और स्त्री का निषेध करने वाला संख्या पृष्ठ संख्या 1655 1655 जी, इसके विवरण में लिखा हुआ है कि सांकर भाष्य का देकर के बीच में थोड़ा सा, अथ अस्य वेदम उपसृण्वतः त्रपुजतुभ्याम स्त्रोत्र प्रपूरणम उच्चारणे जिह्वोच्छेदो धारणे शरीर भेद। तो ये शंकराचार्य जी ने जो लिखा है वो गौतम धर्म सूत्र के अनुसार लिखा है, गौतम धर्म सूत्र जी इसमें दिया हुआ है, बीच में दिया है यहाँ पर, ठीक है। और वो जो स्त्री का निषेध करने वाला है उसके लिए है, स्त्री सूत्रो नाधीयाताम इति श्रुते है, इस तरीके से बच ये इति श्रुते है ऐसे करके वचन उद्धृत किया है, लेकिन कहाँ का है वो पता नहीं। ठीक है, हाँ रमन जी। पृष्ठ संख्या 1646 भाष्य में अंतिम पंक्ति है, बारहद गिरम ब्राह्मणस्य ब्रह्मसाम कुर्यात, और भी आगे इसी तरह की पंक्तियाँ हैं, तो इनमें ब्राह्मण आदि का नियम किया जा रहा है या साम का नियम किया जा रहा है? बारहत गिर करना चाहिए, ये जुड़ रहा है यहां पर, साम का जो नाम है ना इसको ये करना चाहिए, इस साम को करना चाहिए,
अब ये सीधे नहीं कह सकते इनकी और कौन से वाक्य हैं, अगर कहीं कोई वाक्य नहीं है तब तो इसको गुण विशिष्ट विधि मान करके विशिष्ट ब्रह्म साम करने की मानेंगे। ब्रह्म साम का पहले से, साम का पहले से कथन है तो फिर ये केवल नाम नाम होगा, इसको कोई स्पष्टता नहीं, यहाँ पर इतना प्रयोजन नहीं था इसलिए इन्होंने इसको खोला नहीं है। मुझे ये पूछना था सर जी कि जैसे साम का अगर नियम करेंगे कि ब्राह्मण केवल इन इस साम को केवल ब्राह्मण ही करे, हाँ साम का अगर नियम करेंगे तो इस साम को केवल ब्राह्मण ही करे, ब्राह्मण ही करेगा, हाँ जी, उस स्थिति में ब्राह्मण अन्य साम भी कर सकता है ऐसा प्राप्त नहीं? नहीं, वो दोनों के लिए जुड़ेगा ना, दोनों का संबंध है कि ब्राह्मण इसको करे, ब्राह्मण इसको करे, ब्राह्मण किसी और साम को नहीं कर सकता, ब्राह्मण को बांध दिया, ब्राह्मण किसी और साम को नहीं कर सकता, वो इसी को करेगा, क्षत्रिय इसी को करेगा और शूद्र इसी को करेगा, नहीं वैश्य इसी को करेगा, ठीक है, शूद्र किसी को भी कर लेगा, बात है इनको इससे बांधा गया है ये यही करेंगे। अब आप कहे कि भाई फिर ब्राह्म बारहत गिरादी ये फिर दूसरे को प्राप्त होने लगेंगे, अगर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को बांध दिया तो ये खुले हुए हैं, ये कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन दूसरी जगह जाएंगे कहाँ, कि दूसरे भी तो सब बंधे हुए हैं कि उसको ये करना है उसको ये करना है, ये दूसरी जगह जाएंगे कहाँ पर, इनको अवकाश नहीं मिलेगा, शूद्र में जाएंगे, हाँ वहाँ जा सकते हैं, उसके लिए तो वो लिखा नहीं है, लेकिन लिखा नहीं है लेकिन उसके लिए अनारभ्याधीत लेकर के किया है इन्होंने, समाधान किया, हाँ देने का प्रयास किया। और देवकार तो है नहीं यहाँ पर, बस ठीक है संबंध बनाया है कि भाई ये दोनों ही होते हैं, हाँ। और बस अगर दोनों को करेंगे तो वाक्य भेद नहीं मानेंगे इसमें, दोनों को अगर वाक्य भेद नहीं, दोनों में संबंध है, ठीक है, या तो दो गुणों की विधि हम मानेंगे, दोनों का संबंध दो का भी, ब्राह्मण को ब्रह्म साम करना चाहिए ये तो ठीक है, ब्राह्मण को याग करना ही चाहिए, साम भी प्राप्त है तो साम कौन सा करे, तो बारहत गिर ब्रह्म साम करे, ब्राह्मण तो पहले से प्राप्त ही है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य प्राप्त ही है, और इस साम का वो कान करें, ये यहां पर कहा जा रहा है बस। इसी प्रकार जो आगे जो वचन है दूसरे वचन पयोव्रतम ब्राह्मणस्य यवागु आदि का, तो इनमें भी इसी प्रकार, तो ब्राह्मण पयव्रति ही करेगा, दूसरे लोग भी पय पिए उसमें कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा भाई दुनिया में इतने लोग दूध पीते हैं उनका मना थोड़ा किया जा रहा है, यहां पर दूध पी सकते हैं लेकिन ब्राह्मण इस व्रत में दूध ही पिएगा, ब्राह्मण को बांध दिया है, ब्राह्मण और कुछ नहीं लेगा, क्षत्रिय यवागु ही लेगा और वैश्य आमिक्षा ही खाएगा और कुछ नहीं खाएगा, वो बांध दिया उनको। हाँ सप्त पंचाशत पृष्ठ, हाँ सप्त पंचाशत 1657 है, हाँ अत्र श्लोकम वर्तते मध्य जन्मना जायते शूद्र संस्कारा द्विजो उच्यते वेदाभ्यास ततो विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, कुत्रत्य श्लोको अस्ति तत्र सर्वे एवमेव वदन्ति, ठीक है। ठीक है इसे तो कोई मेरे पास भी नहीं है इसका, हो गया मनुस्मृति नास्ति है साक्षात नहीं है, देख लिया आपने, चलो कोई बात नहीं, हाँ जन्मना जाए तो शुद्ध संस्कार आदि जो, तो कहाँ लिखा हुआ है, स्कंद पुराण नहीं, कहाँ लिखा हुआ है मेरे पास है, स्कंद पुराण मैंने पढ़ा है, अच्छा और नीचे वाला, नीचे वाला का मुझे नहीं ध्यान है, अच्छा तो वो उससे जुड़ा हुआ ही है वैसे, तो जुड़ा हुआ है तो स्कंद पुराण का भी ही हो सकता है, होगा किसी का नहीं मिला होगा इनको, तो आगे का पाठ देखते हैं, पृष्ठ संख्या 1659 मीमांसा दर्शन छठा अध्याय प्रथम पाद और उसका आठवां अधिकरण, शीर्षक है अद्रव्यस्यापि अधिकाराधिकरणम्, जिसके पास में द्रव्य यानी साधन नहीं है, बिना द्रव्य वाला जो है साधन नहीं है जिसके, उसके भी अधिकार का अधिकरण है, वो भी याग कर सकता है। तो वैसे प्रथम दृष्टया यही था होता है ना कि जिसके पास द्रव्य है वही कर सकता है, जिसके पास द्रव्य नहीं है वो कैसे करेगा, तो उस संदर्भ में थोड़ा अलग दृष्टि से ये बात को रख रहे हैं, द्रव्य तो चाहिए उस दृष्टि से तो योग्यता है ही,
लेकिन उसमें तात्पर्य यहां पर ये लेंगे कि जिसके पास अभी द्रव्य नहीं है, विद्रव्य नहीं है, याग करना है तो द्रव्य का तो अर्जन करके वो कर सकता है, अभी भले ही नहीं हो लेकिन याग के लिए द्रव्य वो उपार्जन कर लेता है तो कर लेगा वो। तो अद्रव्य से अभी अधिकाराधिकरणम। भाष्य देखिए, अग्निहोत्रादिशु एव संदेहः, अग्निहोत्रादि जो कर्म है उसी विषय में एक और संदेह है, किम अद्रव्य से अधिकारो न आयति, जिसके पास द्रव्य नहीं है उसका अधिकार है या नहीं है। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है 39वां सूत्र, त्रयाणाम द्रव्य संपन्नः कर्मणो द्रव्य सिद्धित्वात्। ये जो तीन थे यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो पीछे सिद्ध किए गए थे, उसमें जो द्रव्य से संपन्न है वो ही इसको कर सकते हैं, क्योंकि कर्म के द्रव्य सिद्धि वाला होने से, द्रव्य के द्वारा सिद्धि वाला होने से, द्रव्य से ही उसकी सिद्धि होती है। भाष्य, त्रयाणाम द्रव्य संपन्नो अधिक्रियेत न द्रव्य, इन तीनों में जो द्रव्य संपन्न है उसी का अधिकार होगा, न अद्रव्य, बिना द्रव्य वाला नहीं होगा। कुतः, न ही शक्नोति अद्रव्यो द्रव्य संयुक्तम कर्म अनुष्ठातुम, जिसके पास द्रव्य नहीं है वो द्रव्य वाले कर्म को कर कैसे सकता है, नहीं कर सकता। तस्मात अद्रव्य से अनधिकार, जिसके पास साधन नहीं है उसको इन कर्मों को करने का अधिकार नहीं है। इस पे 40वां सूत्र ये सिद्धांति का है, वो कहते हैं अनित्यत्वातु नैव स्याद् अर्थात ही द्रव्य संयोगः, ये जो द्रव्य का न होना है ये अनित्य है, नित्य नहीं है कि हमेशा उसके पास द्रव्य ना रहे, कभी आ जाता है कभी नहीं आता है। तो अभी द्रव्य नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन जब होगा तब तो कर ही सकता है वो, अभी द्रव्य नहीं है तो वो अद्रव्य वाला है, तो उसके लिए हम ये कह दें कि आप कभी यज्ञ कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। तो अनित्यत्वातु नैव स्यात् अर्थात ही द्रव्य संयोग, जब प्रयोजन होता है तो द्रव्य से संयोग भी हो जाता है, हमें ये काम करना है तो उसके लिए वो कमाता है, व्यवस्था करता है, तो द्रव्य को इकट्ठा करके फिर वो कर सकता है, ये सिद्धांतिका है। भाष्य, नैवम स्यात् यदुक्तम अद्रव्य से अनधिकार इति, ये ठीक नहीं है कि अद्रव्य का अनधिकार है। कुतः, अनित्यत्वात्, अनित्य होने से, अनित्यत्वात् तो सूत्र में कहा है, खोल रहे हैं अनित्यो अद्रव्य संयोग, अद्रव्य का जो संयोग है मतलब तो द्रव्य का, द्रव्य संयोग का अभाव है, ये अनित्य है। न ही कश्चित जात्या अद्रव्य एव पुरुष, जाति से या जन्मना कोई द्रव्य के असंयोग वाला हो ऐसा नहीं कह सकते कि जो जन्मना अद्रव्य संयोग है बस वो जीवन भर अद्रव्य संयोग ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है। अस्ति उपायो ये न द्रव्यमान भवति, उपाय है जिससे कि वो द्रव्य वाला हो जाता है, संपन्न हो जाता है। यह शक्नोति यष्टुम तस्य यजेत इति वचनो भवति, जो यज्ञ कर सकता है उसके लिए यजेत ये शब्द उसको विधि करता है, वाचक हो जाता है उसको कि भाई यज्ञ कर सकते हैं। यो न कथंचित अपि शक्नोति यागम अभिनिर्वर्तयितुम न तम न अधिकरोति यजेत इति शब्द, जो किसी भी तरह यज्ञ नहीं कर सकता उसको ये यजेत शब्द अधिकृत करता ही नहीं है, यानी वो सामर्थ्य तो होनी ही चाहिए। यजेत से मान लीजिए तीनों वर्णों वालों को याग की प्राप्ति है या किसी कर्म की मनुष्य मात्र को प्राप्ति है, तो सामर्थ्य वाली बात तो जुड़ी हुई है ही, वहां पर अर्थतः प्राप्त है, सामर्थ्य वाला ही कर सकता है। यस्तु केनचित प्रकारेण शक्नोति न तम वर्जयित्वा प्रवर्तते, जो किसी भी तरह से कर सकता है व्यवस्था करके, तो उसको छोड़ करके ये कर्म या विधि प्रवृत्त नहीं हो सकती है। जो कर सकता है तो सब पे वो लागू होगी, सब जने कर सकते हैं, किसी भी तरह से वो कर ले तो उसके ऊपर वो लागू हो जाएगा। अर्थात च द्रव्य संयोगो भविष्यति, और प्रयोजनवशात द्रव्य से भी संयोग हो जाएगा, कि जब उसको प्रयोजन है तो द्रव्य से संयोग होगा, भाई आवश्यकता है तो वो मेहनत करेगा, हाथ पैर मारेगा और जुटाएगा और करेगा। जीविष्यति बिना धनेन इत्येतत् प्रतिषिद्धम् विप्रतिषिद्धम्, जीविष्यति वो जिएगा, और कह के बिना धन के जिएगा ये परस्पर विरुद्ध है, जिएगा तो धन तो चाहिएगा, कुछ ना कुछ साधन तो चाहिए ही। तदिदम अभिधीयते तस्मात अर्थादेव द्रव्य संयोगः, तो ये कहा जाता है कि अर्थ से ही द्रव्य का संयोग हो जाएगा, उसको यज्ञ करना है तो द्रव्य का भी वो संयोग करेगा। अधिकारो अद्रव्यस्य अपि इति, तो अभी भले ही उसको पास द्रव्य नहीं है लेकिन अगर वो प्रयोजन वाला बनता है तो द्रव्य का संयोग होने पे उसका अधिकार हो जाएगा। तो एक तरह से यहां पर परोक्ष रूप से द्रव्य का होना स्वीकार कर ही लिया है, ये इतना ही भेद रहा कि, और सिद्धांति के पक्ष में भी जो है कि जब द्रव्य होगा तभी तो करेगा, यानी उसने इसी पूर्व पक्षी वाली बात भी मानी कि अद्रव्य वाला याग नहीं कर सकता,
और पूर्व पक्ष कुछ इस तरह का कि जिसके पास अभी द्रव्य नहीं है इसका मतलब वो याग कर ही नहीं सकता कभी भी, इसका निषेध कर रहा है, भाई जब सामर्थ्य होगी तब कर लेगा। अगला अधिकरण नवा, प्रतिसमाधेयांग वैकल्याधिकाराधिकरणम। वैकल्य अंग, अंग जिसके विकल हो जाते हैं यानी कुछ रोग हो जाता है या दुर्बल हो जाते हैं, तो उनको कर्म करने का अधिकार है या नहीं है, तो इसमें कहा कि प्रतिसमाधेय अंग वैकल्यम, जिनके अंग की विकलता का समाधान हो सकता है उनको अधिकार है। विकलता है अभी लेकिन उसका समाधान हो गया, रोग ठीक हो गया या कोई शल्य चिकित्सा करा ली, साधन कोई जोड़ दिए, इन उन कर्मों को करने में समर्थ हो गया है वो, तो उसको भी अधिकार है। अग्निहोत्रादिशु एव अंगहीनम प्रतिसंदेह, अंग नहीं है तो वो कर सकता है नहीं कर सकता है, किम असौ अधिक्रियते उतनाइति, उसको भी अधिकृत करता है यजेता है अथवा नहीं करता है। तत्र अपि अधिकरणातिदेशः, इसमें पिछले अधिकरण की तरह ही समझ लेना चाहिए कि उसको भी अधिकार है। असमर्थ इति कृत्वा पूर्व पक्ष, पूर्व पक्ष कहेगा कि चूंकि वो असमर्थ है इसलिए वो नहीं कर सकता। और शक्तेर विद्यमानत्वाद इति उत्तरः पक्षः, उत्तर पक्ष है कि नहीं शक्ति उसमें है तो वो कर सकता है। तदिदम अभिधीयते अंगहीनश्च तद्धर्मेति, किम धर्म अतृप्य धर्मा इति, तो जो अंगहीन है वो भी उसी धर्म वाला होगा। सूत्र जो है ना अंगहीनश्च तद्धर्मा, तो तत् का मतलब पिछले अधिकरण में जो अद्रव्य वाली बात कही थी, तो अभी द्रव्य नहीं है, अर्थी होने से वो द्रव्य को संग्रहित कर लेता है, इसी तरह से अंग अभी नहीं है विकल है वो उसको ठीक करा लेता है और प्रयोजन हो को वो पूरा कर सकता है, उसको भी अधिकार है। दसवां अधिकरण, अप्रतिसमाधेयांग वैकल्यस्य कर्म अनधिकाराधिकरणम्। लेकिन जिनका अंग वैकल्य ठीक नहीं हो सकता है, अप्रतिसमाधेय है, उनके लिए तो कर्म के अनधिकार का अधिकरण है, उनको कर्म करने का अधिकार नहीं है। यस्य तु अप्रतिसमाधेयम् अंग वैकल्यम तम प्रति विचार, जिसके अंग ठीक नहीं हो सकते उनके प्रति ये चर्चा चलाई जा रही है कि अधिक्रिय थे ना इति, उसको अधिकार प्राप्त है या नहीं है, तो पूर्वाधिकरण न अधिक्रियते इति प्राप्ते ब्रूमः। पूर्व पक्षी ने कहा कि नहीं वैकल्य के साम्य से या अद्रव्य के साम्य से उस तरह इसी भी कर लेगा, तो बोले नहीं वो नहीं कर सकता है। सिद्धांत कह रहा है उत्पत्तौ नित्य संयोगात, उत्पत्ति से यानी जन्म के समय ही जो उसके साथ चीजें जुड़ गई हैं कुछ नित्य ही संयोग हो गया, मैंने जन्मना ही वो अंधा है या जन्मना ही कुछ ऐसी चीज हो गई है जो कि ठीक नहीं हो सकती है, तो ऐसे में फिर उसको अधिकार नहीं है। उस न अधिक्रियते इति कुतः शक्ति अभावात, उसमें शक्ति नहीं है। नासौ केनचित अपि प्रकारेण शक्नोति यष्टुम, वो किसी भी प्रकार से यज्ञ नहीं कर सकता है, तस्मात् तस्य अधिकारो न गम्यते, इसलिए उसका उसमें अधिकार नहीं बनता है। इस पर पूर्व पक्षी कहता है ननु यत् शक्नोति तत्र अधिक्रियते इति, जो समर्थ होता है उसके लिए तो अधिकृत किया जाता है, आप कह ही रहे हो उसकी सामर्थ्य है तो वो कर सकता है, तो ऐसे में वो कह रहा है कि चक्षुर विकलो बिना आज्ञावेक्षेण, कि भाई जिसके चक्षु से विकल है आंख से देख नहीं सकता तो आज्ञावेक्षण के अतिरिक्त तो बाकी कार्य तो वो कर ही सकता है, तो बाकी कार्य कर ले। आप ये कह रहे हो कि जिसकी सामर्थ्य है वो कर ले, तो पूरे याग में जिस जिस कर्म की सामर्थ्य है उसको कर ले, जिसकी सामर्थ्य नहीं उसको कर ले, ऐसा भी तो कर सकते हैं। सिद्धांति ने तो ये कहा था कि जिसकी पूरा करने की सामर्थ्य है वो कर लेगा और जिसकी सामर्थ्य है वो नहीं करेगा, अब उसने इतना सा पकड़ लिया कि सामर्थ्य है तो कर लेगा, सामर्थ्य नहीं तो नहीं करेगा, तो याग में जिन जिन कर्मों की उसको सामर्थ्य है उन उनको कर लेगा और जिनकी सामर्थ्य है उनको नहीं करेगा, ऐसा भी तो एक रास्ता निकल सकता है, जितना हो सके उतना ही ठीक है। तो जो चक्षु विकल है वो आज्य वेक्षण नहीं करेगा, और बिना विष्णु क्रमई पंगु, पंगु है पैर जिसके नहीं है तो बिना विष्णु क्रम जो पैर रखते हैं वो नहीं करेगा, बाकी चीज तो वो कर लेगा। और बिना प्रैषादि श्रवणे न च बधिरः, और बधिर है तो प्रैष का श्रवण वो नहीं करेगा, बाकी चीजें तो कर ही लेगा। तो एतान पदार्थान प्रति चक्षुर विकलादीनाम अनधिकार इति, तो इन पदार्थों कर्मों के प्रति चक्षु विकलादि का अधिकार नहीं है, केवल उतने उतने का अधिकार नहीं है, बाकी तो वो कर लेगा, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा। तो सिद्धांत कहता है नेत्युच्यते न आज्ञावेक्षणादि पुरुषम प्रति निर्दिश्यते, बोले ये जो आज्ञा का वेक्षण है वो पुरुष के प्रति, पुरुष के संस्कार के लिए नहीं है, पीछे भी बात आई थी, वो याग के लिए है, ऐसा घृत होना चाहिए जो याग के लिए है, तो अगर पुरुष के प्रति होता तब तो इसको बिना किए कर सकते थे,
लेकिन वो तो याग के लिए है, और अगर ये नहीं किया तो याग में वैगुण्य होगा। कहा न आज्यावेक्षणादि पुरुषम प्रतिनिर्दिश्यते, यदि ही तम प्रतिनिर्दिश्येत ततो विकलो अपि अधिक्रियेत। यदि उसके प्रति यानी याग के प्रति निर्दिष्ट होता नहीं, यदि पुरुष के प्रति निर्देश होता तो विकल भी अधिकृत कर लिया जाता। कृतों प्रति एषाम उपदेश है प्रकरण अविशेषात, और ये कृतु के प्रति इनका उपदेश है, क्योंकि अलग से तो कोई प्रकरण है नहीं, प्रकरण उसका कृतु का ही है इसलिए उसी से लगेगा। पुरुषस्य च आख्यातेन अनभिधानादिति, और एक और हेतु दिया कि पुरुष का यहां पर आख्यात के द्वारा अनभिधान है, आख्यात के द्वारा पुरुष को नहीं कहा जा रहा है, आख्यात के द्वारा तो क्रिया को कहा जा रहा है, क्रिया की विधि यानी याग की विधि है यजेत। अब इसके अंदर विधान किसका किया जा रहा है, तो याग का विधान किया जा रहा है, पुरुष का लेंगे तो वाक्य से आएगा, तो आख्यात के द्वारा क्रियापद के द्वारा पुरुष का अभिधान नहीं किया जा रहा है। उक्तम एतत्, जैसा कि पहले कहा विधिर्वा संयोगांतरात, पीछे तीसरे अध्याय में आया था इत्यत्र। तो तैश्च विना विगुणम कर्म प्रयुक्तम अपि न फलम साधयेत, तो इसलिए इन इन कुछ कुछ कर्मों को अगर छुड़वा देते हो आप विकलांगता के कारण से, तो उन उन कर्मों में बाधा आने से उनके बिना वो विगुण होगा तो प्रयुक्त होता हुआ भी फल को सिद्ध नहीं कर पाएगा, थोड़ी कमी रहेगी तो फल बिल्कुल नहीं मिलेगा। तस्मात तस्य अनधिकार है, इसलिए उसका इसमें अधिकार नहीं है। कुछ कार्य होते हैं जिसमें थोड़ा कम भी किया तो भी जितना है उतना तो हो जाता है, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि वो थोड़ा सा भी नहीं किया तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। घड़ी है, यंत्र है, उसमें एक पुर्जा नहीं है ना, तो बाकी सारा कुछ भी किया हुआ वो नहीं हो पाएगा। एक चीज नहीं है तो बस कुछ नहीं हो पाएगी। गाड़ी है, उसमें हवा नहीं है तो बस फिर नहीं चल पाएगी। कोई भी एक चीज हो नहीं की तो वो अधूरा ही रह जाएगा, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं अलग अलग तो वो चल सकते हैं, लेकिन यहां नहीं होगा इन्होंने कहा। अगला अधिकरण देखिए ग्यारहवा, दर्शपूर्ण मासयो त्र्यार्षेयस्य एव अधिकाराधिकरणम्। दर्शपूर्ण मास में त्र्यार्षेय का ही अधिकार है। त्र्यार्षेय का मतलब है तीन है आर्ष, जिसमें जिनके परिवार में जिनके पूर्वज तीन ऋषि हुए हों, वहां गोत्र आदि के नाम में अपने पूर्वज की नहीं तीन ऋषियों का नाम बताना पड़ता है, तब वो याग का अधिकारी बनता है, ऐसे नहीं बनता है। प्रवर अधिकरण, प्रवर जो चयन करते हैं ना उसके लिए, यानी इन्होंने इसमें बहुत कठिनता से रखा है, इसीलिए जो कहा था कि ऋषि लोग कर नहीं सकते देवता और ऋषि का जो था ना, क्योंकि उनकी त्र्यार्षेयता नहीं है, उनके पहले तीन ऋषि नहीं हुए हैं। ये कहना ये चाहते हैं कि जन्मना भी जो चीजें चली आ रही हैं कि वो ऐसे कुल का होना चाहिए जिसमें तीन ऋषि हुए हों पहले, वो इन विशेष कर्मों को कर सकता है। अब वो कितने पीढ़ी पे पीछे हुए हैं, वो आजकल पिछली पीढ़ी 100-200 हजार साल पहले की, लेकिन ये एक बिंदु ये भी रखा जाता है। इसको सामान्यतः क्योंकि वंश परंपरा का भी प्रभाव पड़ता है, हमारे गुणसूत्र वैसे होते हैं, उसके अनुसार हमारा शरीर बुद्धि आदि चलते हैं, ठीक है हमारे कर्म के अनुसार न्यूनाधिकता वो भी सब स्वीकार्य है, वो सब होता है, लेकिन इसका भी वहां पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए ये आर्षेयता का भी कथन है। वो कितने ऋषि पहले होने चाहिए, तो बोले तीन ऋषि पहले होने चाहिए तब ये कर सकते हैं, उस परिवार में तीन ऋषि होने चाहिए। देखिए तो दर्शपूर्ण मास श्रूयते, दर्शपूर्ण मास में ये वचन है, आर्षेयम वृणीते, आर्षेय को लेता है, आर्षेय का वर्ण करता है जो ऋषि वाले हैं, तो एकम वृणीते, द्वौ वृणीते, त्रीन वृणीते, एक ऋषि होता है उसका वर्ण करता है, दो वाले का वर्ण करता है, तीन वाले का वर्ण करता है, न चतुरो वृणीते, चार ऋषि वाले का वर्ण नहीं करता है, न पंचाति वृणीते, और जो पांच से ज्यादा ऋषि हैं जिसमें उसका भी वर्ण नहीं करता है। ये मतलब तो अभी देखेंगे ये क्यों ऐसा कहे, वचन तो है ये, इसी पर ही तो चर्चा है कि यहां पर कितने ऋषि वाले होने चाहिए, यानी एक को भी कर दिया, दो को भी कर दिया, तीन को भी कर दिया, लेकिन चार को मना कर दिया। अब ये एक दो तीन में भी कितना है वो तो शीर्षक तो अपन ने देखा ना, त्र्यार्षेय तीन वाला ही है, एक और दो वाला भी नहीं है, लेकिन कथन तो मिल रहा है, इसमें किसका क्या समाधान करेंगे, और चार वाले के लिए मना कर दिया, और पांच से जो अधिक है उसके लिए भी मना कर दिया। तो पांच से अधिक के लिए मना किया, इसका मतलब है पांच वाले को स्वीकार कर लिया,
चार का तो मना कर दिया, न चतुर प्रणीते, तो न पंचायति प्रणीते, पांच से ज्यादा है उसका वर्ण नहीं करता है, तो पांच के लिए क्या विधान हुआ? मना तो चार के लिए किया है, पांच के लिए मना थोड़ा ना किया है, पांच से अधिक वाले के लिए मना किया है, तो तीन और पांच में को ग्रहण किया है, तीन और पांच को विषम संख्या वाले को, तो जो तीन पांच करता है वो स्वीकार्य हो जाता है, तीन पांच करने वाले, तीन पांच करना जानते हो ना? नहीं, तीन पांच एक मुहावरा है, एक मुहावरा है, नहीं तीन पांच का मैं एक एक चुटकुला सुनाता हूं, उससे आपको थोड़ा पता लग जाए तो एक विद्यार्थी बोला अध्यापक जी कि जी हिंदी वाले हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में बोलते हैं, आप गणित में बोल करके बताओ गणित में आप बोल के बताओ भाषा बोले ज्यादा तीन पांच मत कर, नौ दो ग्यारह हो जाए यहां से नौ दो ग्यारह तो समझते हो ना, नौ दो ग्यारह हो जा मतलब तो भाग जा, हिंदी में ऐसा चलता है, आपको नहीं पता है, उड़ीसा में नहीं चलता होगा ये, नौ दो ग्यारह हो जा मतलब रफू चक्कर हो जा, भाग यहां से, भाग यहां से, नौ दो ग्यारह हो जा। अब वो कैसे नौ दो ग्यारह बना ये तो पता नहीं, लेकिन ऐसा मुहावरा चलता है। तो तीन पांच का मतलब है जो इधर उधर की बात करता है ना, अभी ये बात की उल्टी सीधी बातें करता है और बहुत बात करता है, उसको कहता है बहुत तीन पांच करता है, कभी उसकी आके सुनाता है, कभी उसकी आने के सुनाता है, उसकी लगाता है, उसकी जो चुगली करता है उसकी बातें करता है, उसको कहते हैं कि बहुत तीन पांच करता है। तो मैं यूं कह रहा हूं इसमें तीन और पांच का है ना, तो जो ज्यादा तीन पांच करते हैं ना, जो मतलब चुलबुले हैं, बोल सकते हैं, सक्रिय हैं, जो चुपचाप हैं, भोली गाय हैं, जो कुछ नहीं बोलते चुपचाप, उनके लिए नहीं, जो तीन पांच करते हैं उनके लिए। लेकिन वो तो खैर मैंने वैसे ही बोल दिया, लेकिन ये तीन और पांच का जो है, पांच का तीन का है शीर्षक तो हमारा, लेकिन पांच का भी अधिकार इसमें स्वीकार करते हैं, लेकिन ये विषम संख्या को स्वीकार किया है। क्यों है, क्या है, ये तो सब अनुसंधान का विषय है कि क्यों ऐसा इन्होंने किया। तो देखिए, आर्षेयम वृणीते, एकम वृणीते, दो वृणीते, तीन वृणीते, न चतुर वृणीते, न पंचाति वृणीते इति, ये तो वचन मिला, तत्र संदेह, इसमें संदेह है, किम अत्र्यार्षेयस्य अधिकार उत न इति। ये जो है अत्र्यार्षेयस्य अधिकार उत न इति, हाँ, अत्र्यार्षेय का मतलब हुआ जो तीन आर्षे नहीं है, यानी एक दो चार पांच या उससे अधिक भी, जो तीन से अतिरिक्त हैं उनका इसमें अधिकार है या नहीं है। तो भाई यूं तो दिखने में लगेगा नहीं, दे रखा है ना यहां पर, तो किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है अत्र्यार्षेयो अपि अधिक्रियते इति, जो तीन ऋषि वाले हैं उनसे अतिरिक्त हैं उनका भी ग्रहण हो ही रहा है। कुतः, बोले देखो लिखा है आर्षेयम वृणीते इति, सामान्य वचनम, आर्षेय का ग्रहण करता है तो कोई भी ऋषि हो, एक भी ऋषि हो तो उसका है, बस आर्षेय होना चाहिए, ऋषि परंपरा का होना चाहिए, उस परिवार में कोई ना कोई ऋषि हुआ हुआ होना चाहिए, ये सामान्य वचन है। तस्मात एकम वरिष्यति द्वौवा, इसलिए एक का भी वर्णन कर लेगा, एक वाले का और दो का भी कर लेगा, और तच्च दर्शयति, और इसी को तो यहां पर बताया गया है, आर्षेयम वृणीते, ये मूल वाक्य हो गया और इसी की व्याख्या आगे हो गई, एकम वृणीते, दो वृणीते, त्रीण वृणीते, ऐसा पहले रोटी खाता है, एक खाता है, दो खाता है, तीन खाता है, चार खाता है, ऐसे ऐसा कहे ना किसी को, वही तो बोले बहुत व्यायाम करता है, बोले एक घंटा करता है, दो घंटा करता है, तीन घंटा करता है, ऐसे जो कथन होता है, तो एक का, दो का, तीन का, और ये सब लिखा हुआ है उसकी व्याख्या में। तो तच्च दर्शयति, एकम वृणीते, दौ वृणीते इति, तथा प्रतिषेध थी, और निषेध भी किया यहां पर, न चतुरो वृणीते, न पंचाति वृणीते इति, यानी इधर सकारात्मक कहा गया और उधर निषेध किया गया, तो इससे एकदम स्पष्ट हो गया ना कि तीन ही नहीं, तीन से अतिरिक्त का भी ग्रहण यहां पर हो सकता है, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। न ही अप्राप्त से, एक न हटा लेना, न ही अप्राप्त से प्रतिषेधो अवकल्पते, बोले कि जो प्रतिषेध है वो अप्राप्त का तो होता नहीं है, प्रतिषेध प्राप्ति पूर्वक होता है, उसको मान करके कह रहे हैं कि भाई चार का और पांच का या पांच से ज्यादा का निषेध कर रहा है तो प्राप्ति तो रही होगी ना, औरों की भी, तभी निषेध कर रहे हैं।
तस्मात् अत्यार्षयो अपि अधिक्रियेत इत्येवं प्राप्ते ब्रूमः। तो अत्यार्षय का भी, अत्यार्षय का मतलब हो गया एक दो और पांच, निषेध केवल चार का हुआ है और पांच से अधिक का हुआ है, तो एक दो और पांच ये अत्यार्षय है, तीन का तो है ही, तीन के अतिरिक्त एक दो और पांच ऋषि वाले हैं उसका भी यहां पर ग्रहण हो जाएगा, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा। और ये जो आश्रयता आर्षयता आती है ना, ये मातृपक्ष से नहीं आती है, ये पितृपक्ष से ही आती है। आर्षय का जो है कथन कि पितृकुल में कोई कितने ऋषि हैं, मातृकुल में जो ऋषि हुए हुए उनको नहीं गिनते हैं इसमें, पितृकुल का ही गिनते हैं। और जो दत्तक पुत्र होता है गोद में जो लिया जाता है उसके लिए ये विधान कर रखा है इन्होंने कि यदि वो उपनयन के बाद में आता है, जो कोई संस्कार हो गया उसके बाद में वो गोद में जाता है, तो उसके जन्म वाले कुल में जो ऋषि हैं वो और जहां पर वो आया है गोद में वहां के ऋषि, उन दोनों का योग बन जाता है उसका, तीन तीन है तो छह ऋषि वाला माना जाता है वो। और यदि उपनयन से पहले आ जाता है तो जिस परिवार में कुल में वो गोद में आया है उसके ऋषि ही उसके माने जाएंगे, अपने मूल जन्म परिवार वाले ऋषि उसके नहीं माने जाते, ऐसा विधान कर रखा है। और मातृपक्ष और पितृपक्ष में इसमें कुछ ऐसा थोड़ा सामान्यतया देखते हैं कि रामायण और महाभारत दो में देखेंगे तो रामायण के अंदर पितृपक्ष की प्रधानता है, जो संतानें होती हैं उसको पितृ की प्रधानता से चलती रही हैं, और महाभारत में मातृकुल से प्रधानता रहती है, माता के कारण से। ना में पति कौन है वो इधर उधर बहुत ज्यादा है नियोग के कारण से, और उधर रामायण के अंदर पुरुष की प्रधानता वहां पर है, उस कुल के हैं ये, मातृपक्ष की प्रबल नहीं है, ऐसा एक सामान्यतः थोड़ा अंतर है, हालांकि दोनों जगह दोनों मिल सकते हैं। तो इसमें सिद्धांति कहता है 43वां सूत्र, अत्र आर्षयस्य हानम स्यात्, नहीं अत्र आर्षयस्य हानम स्यात्, जो अत्र आर्षय है यानी तीन से भिन्न जो आर्षयता है उसका हान हो जाए, उसको छोड़ दो, यानी कि तीन ऋषि वाला ही कह रहे हैं। तो यो न त्रयार्षय है स न अधिक्रियता, जो तीन ऋषि वाला नहीं है उसका अधिकरण अधिक उसका अधिग्रहण यहां पर नहीं किया जाता है याग में, कुतः क्योंकि यहां त्रीन वृणीते इति विशेष वचना, त्रीन वृणीते यहां पर लिखा हुआ, यह विशेष वचन है। और विधिश्च अप्राप्तत्वात्, और इसी को विधि मान लेते हैं क्योंकि ये और कहीं पहले से प्राप्त नहीं है, तो ये कथन विधि मान लिया जाएगा। वृणीते में विधि विभक्ति नहीं है, ये वर्तमान काल का प्रयोग है, वर्तमानापदेश है, तो फिर भी इसको विधि माना गया है क्योंकि प्राप्ति ही नहीं है, जब और जगह से प्राप्त नहीं है तो ये वचन ही विधि को दे देगा। इसमें पूर्व पक्षी कह रहा है ननु एकम वृणीते इत्यपि विशेष वचनम अस्ति, एक ना हटा लेना, विशेष वचनम अस्ति, बोले एकम वृणीते ये भी तो विशेष वचन है, एक नाम लिखा है, त्रीन वृणीते में क्या विशेषता है, वे तीन संख्या का है, बोले एकम वृणीते दो वृणीते यहां पर भी तो है, ये भी तो विशेष है। तो सिद्धांत कह रहा है नित्युच्यते, बोले विधायिकाया विभक्तिर अभावात, बोले इसमें विधायिका विभक्ति नहीं है, कहां पर एकम वृणीते दो वृणीते, वृणीते है विधायिका विभक्ति तो है नहीं। तो पूर्व पक्षी कह रहे ननु स्तुत्या विधास्यते, बोले स्तुति से विधान कर देगा, कैसे यथा तीन वृणीते, जैसे तीन वृणीते में भी तो आपने विधि ले ली है, विधायिका विभक्ति तो यहां पर भी नहीं है लेकिन स्तुति के कारण आपने उसको विभक्ति विधि विभक्ति मान लिया, तो एकम वृणीते दो वृणीते इसमें भी आप स्तुति से विधि विभक्ति मान लो, इनका भी विधान हो गया। इस पर सिद्धांत कह रहे उच्चते त्रयाणामेव स्तुति ही, बोले यहां पर तीन की ही स्तुति है, एक और दो की स्तुति नहीं है। सात्रित्वं विधास्यति, और ये जो स्तुति है ये त्रित्व का ही विधान करेगी, औरों का विधान नहीं करेगी। एकम वृणीते इति अवयुत्यवादानु अवयुत्यानुवादो अयम त्रयाणामेव, ये जो एक और दो कथन है ये अवयुत्यवाद है, पीछे आया था अवयुत्यवाद कि द्वादश कपाल है तो उसमें अष्टा कपाल कह दिया, नव कपाल किया, तो ये अवयुत्यवाद है, उसी के अंतर्गत आता है। 10 किलो की बाल्टी भरी हुई है, पहले आपके पास 10 किलो दूध है तो वो तो कह देगा, बोले 5 किलो दूध है, बोले है 5 किलो दूध है, बोले 5 किलो दूध कहाँ है, आपके पास तो 10 किलो दूध है, भाई 10 किलो के अंतर्गत ही 5 किलो आ गया तो कह दे यहाँ 5 किलो दूध है मेरे पास। तो ऐसे अवयुत्यवाद, तो ये जो एकम वृणीते द्वो वृणीते जो है ये अवयुत्यवाद है, तीन के अंतर्गत ही एक और दो आ जाते हैं, इसलिए ये ऐसा करके समझ आए। तो ये अलग से नहीं है कि एक और दो का जो अत्र्यार्षय है उसका ग्रहण नहीं होगा,
तत्रापि तृत्वमेव स्तूयते विधातुम, वहां भी एक और दो वाले हैं, इसमें भी तृत्व का ही विधान किया जा रहा है। जब हम कहते हैं कि इसके पास तीन कार हैं, तो देखो एक कार, दो कार, तीन कार। अब उसमें बोले ये एक कार और दो कार जो है वो क्या उस तीन को ही तो बताने के लिए है, उसमें इतना उसी की प्रशंसा की जा रही है। एकम प्रणीते इति अव्युक्त अव्युक्त्यानुवादो अयम त्रयाणमेव तत्रापि तृत्वमेव स्तूयते विधातुम। आगे एवं एक वाक्य ना, ये एकम लिखा है का की जगह व कर लीजिए, एवं एक वाक्य ना विधानम भविष्यति, इसलिए एक ही वाक्य से विधान होगा। एकम वृणीते द्वो वृणीते इससे विधान नहीं होगा, त्रीण वृणीते बस इसी से विधान होगा एक ही वाक्य से। और न चतुरो वृणीते री लगा लेना, न चतुरो वृणीते न पंचाति वृणीते इति नित्यानुवादो भविष्यति। और ये जो आगे के हैं बोले इनका निषेध क्यों किया, बोले नित्यानुवाद है, नित्य का नित्यानुवाद मतलब नित्य ही जिनका निषेध था उन्हीं का फिर से कथन कर दिया गया। निषेध तो था ही, प्राप्ति नहीं थी, प्राप्ति पूर्वक निषेध वाली बात नहीं है, निषेध ही था और उसका कथन कर दिया गया कि न चतुरो वृणीते न पंचाति वृणीते इति नित्यानुवादो भविष्यति। तस्मात् अत्यार्षेयस्य अधिकारो नान्यस्य, तो जो श्रुति से जो है, अच्छा हाँ, तस्मात् त्र्यार्षेयस्य अधिकारो, ठीक है, इसलिए तीन ऋषि वाले जो है उन्हीं का अधिकार है अन्य का नहीं। लेकिन लक्षणा से पांच का ले लेते हैं कि न पंचाति वृणीते, पंच से पांच से अधिक का वर्ण नहीं करता है। कुछ लोग पांच का मना करते हैं कि पांच का ग्रहण नहीं होगा, और कुछ लोग पांच को स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार दर्श पूर्णमासयो त्र्यार्षेयस्य एव अधिकाराधिकरण, त्र्यार्षेयता होनी चाहिए। आगे बारहवा अधिकरण रथकाराधिकरण, रथकार यानी जो रथ को बनाने वाला है उसको यज्ञ करने का अधिकार है या नहीं है, ये एक प्रसंग से उठाया जा रहा है। बड़ा ही कह लीजिए नहीं तो, हाँ रथ को बनाने वाला जो भी है, तो आधाने श्रूयते, आधान में ये एक वचन प्राप्त हो रहा है, वर्षासु रथकार आदधित है, वर्षा ऋतु में रथकार आधान करे। पीछे हम देख करके आए थे कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के आधान की बात है, शूद्र का नहीं है, ये एक वचन और मिल गया। अब ये रथकार क्या किसमें है, तो वर्षासु रथकार आदधित इति, तत्र संदेह किम त्रैवर्णिका नाम अन्यतमो रथकार आहोस्वित अत्रैवर्णिका इति। बोले ये जो रथकार है ये त्रैवर्णिकों में से ही एक है अथवा अत्रैवर्णिक है, इसकी ये जो अलग से कथन किया गया तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के अंतर्गत मानते हुए भी अलग से इसका कथन किया गया, या उन तीनों से भिन्न मान करके इसका कथन किया गया, तो रथकार को क्या मानेंगे, तीन वर्णों से अतिरिक्त है वो, ये मानेंगे तो उसको शूद्र में मानना पड़ेगा, और शूद्र का निषेध कर रखा है फिर इसको क्यों कहा। और यदि इसको त्रैवर्णिक मानते हैं तो तीन वर्णों का तो प्राप्त था ही, इसके लिए अलग से क्यों कहा, रथकार के लिए अलग से क्यों कहा आधान करने के लिए, या तो उसकी अप्राप्ति थी और अप्राप्ति थी तो प्राप्ति कराई जा रही है विशेष कथन से, यानी अत्रैवर्णिक था और अप्राप्ति कराई गई है। यहां पर एक पहले स्वामी जी रहते थे, बहुत पहले, माता मेहता जी जानती होंगी, एक पतले से रहा करते थे, ऊपर इधर रहते थे, अंतिम समय में तो उधर थे, इसमें 15 के अंदर रहते थे लेखराम में, दांत, हाँ दांत थोड़े निकले हुए थे ना, उनका देहांत यहीं पर ही हो गया था, उनके गुर्दे खराब हो गए थे दोनों, यहीं देहांत हुआ था, और इसमें प्रकोष्ठ दो में या तो चार में यहां पर अंतिम समय में यहीं थे वो, उनकी मृत्यु बिल्कुल सामने, उनके गुर्दे खराब हो गए थे, वहां गए थे चिकित्सालय, फिर उन्होंने कहा भाई ऐसा अब तो कुछ नहीं हो सकता, तो उनको छोड़ दिया था, बोले ठीक है अब आप ले जाओ उनको, तो यहीं पर ही थे, तो रात भर थे, तो मैं पूरी रात उनके साथ में रहा था, जैसे मृत्यु आती है ना तो मैं कैसे परेशानी होने लगी सांस में और मैं सामने देखते देखते होती है ना कई बार, ऐसे उनका देहांत हुआ। उन्होंने पुस्तकें छपा रखी थी एक दो, उसमें एक पुस्तक को वो बहुत जोर दिया करते थे, वो कहते थे कि जो बढ़ई है वो ब्राह्मण है, बढ़ई है जो लकड़ी का काम करते हैं वो कहते थे कि वो ब्राह्मण है,
और उसके लिए उन्होंने एक पुस्तक छपा रखी थी, उसके लिए प्रमाण दिए थे बहुत थे, वो बार बार प्रवचनों में भी बहुत बोला करते थे, उनके लिए ये मुद्दा ही पता नहीं इतना बड़ा बना हुआ था, उसको बार बार बोला करते थे, पतली सी पुस्तिका भी उन्होंने छपा रखी थी, प्रमाण देते थे, देखो ये है, लोग इसको मानते हैं, लोग बढ़ई को शूद्र मानते हैं लेकिन वो ब्राह्मण है। वो उसके लिए कहते थे कि ये शिल्पकार हैं, पहले जो वायुयान आदि बनाया करते थे बढ़ई लोग, यही बनाया करते थे, तो जो वायुयान बनाता है वो शूद्र कैसे हो सकता है, वो तो ब्राह्मण ही होगा, मूल उनका ये था, और उसके लिए उन्होंने कुछ प्रमाण भी दे रखे थे। और इधर राजस्थान में भी आप देखेंगे बहुत से लोग वैसे बढ़ई होते हैं लेकिन शर्मा लगाते हैं, बढ़ई बढ़ई लोग शर्मा लिखते हैं, कुछ तो जो ब्राह्मण हैं वो शर्मा लिखते हैं या और चतुर्वेदी त्रिवेदी आदि लिखते हैं, लेकिन केवल शर्मा देख करके अभी ऐसा हमेशा निश्चित नहीं होता है कि ये ब्राह्मण ही है, प्रथम दृष्टया तो लगता है कि भाई ब्राह्मण है, लेकिन बढ़ई लोग भी ब्राह्मण लिखते हैं, वो उस तरह की कोई परंपरा या चर्चा चल रही होगी पहले से, तो वो इस बात को कहा करते थे। तो ये रथकार की भी बात है उसी तरह की है कि इसको त्रैवर्णिक माने या त्रिवर्ण से बाहर माने, आधान की बात तो शास्त्र में कह दी गई है। तो वर्षासु रथकार आदधीत, तो किम प्राप्तम, इस पे उत्तर पक्षी कहता है सिद्धांति कि वचनात् रथकारस्य आधाने अस्य सर्वशेषत्वात्, बोले क्योंकि वचन से रथकार का आधान कहा गया है और इसके सबका शेष होने से, यानी तीन से जो प्राप्त हो गया है, तीन चीज को कह दिया, उन सबको कहने के बाद में फिर इसको अलग से कहा गया है, तो इसलिए ये अत्रैवर्णिक है, तीन वर्णों से अतिरिक्त ये है, ऐसा इसका मत हुआ। भाष्य देखिए, रथकार से अत्रैवर्णिक से आधानम एतत्, ये रथकार का है यानी अत्रैवर्णिक है, तीन वर्णों से बाहर है ये, कुतः वचनात्, क्योंकि इसका अलग से वचन किया गया, वचनमिदं भवति वर्षासु रथकार आदधीत, ये वचन मिल रहा है, नहीं वचन से किंचित अलभ्यम नाम, वचन के लिए कुछ अलभ्य तोड़ना है, सभी कुछ प्राप्त होता है, ये वही मतलब है, नास्ति वचनस्याति भारः, वचन को कोई भी अलभ्य नहीं है, वचन है तो बस सब कुछ हो जाएगा उसमें। सर्वशेषश्च अत्रै वर्ण का आधाने, सर्वशेष यानी जो तीनों वर्णों का कथन कर दिया उसके बाद में ये कथन किया गया है आधान में, तो ये अत्रै वर्ण का ही होना चाहिए। ब्राह्मण राजन्य विषाम उक्तम आधानम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का आधान तो कह दिया गया, परिशेषात अत्रैवर्णिको रथकार स्यात्, चूंकि यह वचन अलग से कहा गया तो परिशेष न्याय से यह त्रैवर्णिक से भिन्न होना चाहिए। इस पर पूर्व पक्षी कहता है 45वां सूत्र, न्यायो वा कर्म संयोगात शूद्र से प्रतिषिद्धत्वात्, बोले ये न्याय है कि इसको त्रैवर्णिक माना जाए क्योंकि इसके साथ कर्म का संयोग बताया गया है कि इसने आधान किया है, तो त्रैवर्णिक ही होना चाहिए क्योंकि शूद्र से प्रतिषिद्धत्व, शूद्र का तो प्रतिषेध कर ही चुके हैं तो इसको त्रैवर्णिक मानना चाहिए। भाष्य, न्यायो वा स्यात् त्रैवर्णिको रथकार, रथकार त्रैवर्णिक होगा ये उचित है, न्याय है, रथकर्मणा विशेषेण उच्यते, तो प्रश्न ये उठेगा कि अगर ये त्रैवर्णिक है तो त्रैवर्णिको में आ ही चुका था, इसके लिए अलग से वाक्य क्यों कहा गया, तो वो पूर्व पक्षी इसका उत्तर दे रहा है कि रथ कर्म के कारण से इसको विशेष कथन किया गया है। शूद्रो ही असमर्थत्वात् प्रतिषिद्ध, शूद्र का निषेध इसलिए किया गया था क्योंकि वो असमर्थ था, तस्मात् त्रैवर्णिको रथकार स्यात्, ये रथकार है जिसको आधान का कथन किया गया तो वो तो समर्थ है और समर्थ है तो वो त्रैवर्णिक में आएगा, इसलिए त्रैवर्णिक है। अब इस पर सिद्धांति कहता है 46वां सूत्र, अकर्मत्वात्तु नैव स्यात्, नैवम स्यात्, चूंकि वो इस कर्म को नहीं करता है, कर्म करने वाला ये जो तीन वर्ण वाले हैं उनके लिए कहा गया है कि वो शिल्प से अपने आजीविका नहीं चलाते हैं, शिल्प से, शिल्प का मतलब हो गया जैसे लकड़ी का काम हो गया, लोहे का काम हो गया, चमड़े का काम हो गया, ये जो अपने पहले प्रचलित थे और इनको त्रैवर्णिक में माना भी नहीं जाता है, अभी भी जो चल रहा है वो जन्मना मानते हैं वो गलत है, लेकिन कर्म की दृष्टि से भी देखें तो आजकल जो प्रचलित है, तो इनका ये कहना है कि जो तीन वर्ण वाले हैं वो शिल्प विद्या से अपना धनार्जन नहीं करते, शिल्प से कोई शिल्प विद्या से अपना धनार्जन नहीं करते हैं, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होते हैं, जो शिल्प विद्या से अपना धनार्जन करते हैं वो शूद्र में आते हैं। शिल्प विद्या मतलब तो जैसे जुलाहा हो गया, दरियां बुनते हैं, कपड़े बुनते हैं, केश काटने वाला हो गया, नाई हो गया, तो ये जो सारे के सारे हैं जिनके पास कोई शिल्प है जिससे वो कुछ करते हैं,
कुछ बनाते हैं, निर्माण करते हैं, वो त्रैवर्णिक नहीं माने जाए। यानी त्रैवर्णिक को शिल्प से धनार्जन नहीं करना है। वो शौकिया करते हो तो करते हो, लेकिन उससे धनार्जन धनार्जन का नहीं है। मूर्तिकार है, चित्रकार है, अगर वो उसकी आय का स्रोत है तो इस रीति से वो त्रैवर्णिक में नहीं आएगा। शिल्प के द्वारा जो कर रहा है, जैसे नृत्य से जो कर रहा है, नृत्य करके पुरुष या स्त्री, गा करके, इनको किस वर्ण में रखेंगे? ये शिल्प हैं सारे के सारे, कलाएं हैं। तो कलाओं से जो धनार्जन करते हैं वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में नहीं आएंगे, वो अपनी कला का प्रदर्शन करके करते हैं इनको। तो उस दृष्टि से ये कह रहे हैं कि नास्तिक त्रैवर्णिक को रथकार, रथकार तो त्रैवर्णिक नहीं होगा। क्यों? प्रतिषिद्धम ही तस्य शिल्पोपजीवितम जीवित्वम। त्रैवर्णिक को शिल्प से जीवन चलाने का प्रतिषेध है, वो शिल्प में नहीं आएगा। शूद्र जो है वो शिल्प से अपना जीवन चला सकते हैं, ब्राह्मण होगा उसको पढ़ने पढ़ाने से जीविका चलानी होगी, शिल्प बना बना करके नहीं होगा। मूर्तियां बनाई हैं, खिलौने बनाए हैं, ये जो सारे बना बना के बेचते हैं ना, कितनी चीजें शिल्प की चीजें होती है ना, वो नहीं। तो प्रतिषिद्धम ही तस्य शिल्पोपजीवित्वम अत्रैवर्णिकस्तु अस्ति। लेकिन ये जो शिल्प रथकार है ये अत्रैवर्णिक है रथकार। तस्मात वचन प्रामाण्यात् स आधास्यति। लेकिन वचन के प्रामाण्य से, क्योंकि इसके आधान की बात कह दी गई है, इसलिए वो आधान कर लेगा। यानी वो सिद्धांत ये कहना चाहता है कि वो शूद्र है, लेकिन आधान का कथन होने से वो यज्ञादि कर सकता है। उसको ये विशेष विधान के, सामान्यतया शूद्रों के लिए मना किया गया, लेकिन शिल्प विद्या से जो जीते हैं उनको इसका अधिकार दिया गया। अब आजकल बहुत तरह की शिल्प विद्याएं, मान लो आजकल ट्रांजिस्टर ठीक करते हैं, ट्रांजिस्टर भी चला गया, आजकल मोबाइल ठीक करते हैं, ये शिल्प विद्या ही तो हैं। तरह तरह की मोटर मैकेनिक हैं, स्कूटर को ठीक करते हैं, इसी तरह के जो हैं बिजली को ठीक करते हैं, ऐसे जो ये हैं इनको किस क्षेत्र के अंदर रखेंगे? ये सेवा करने वाले हैं, तो ये शिल्प विद्या वाले माने जाते हैं। सिद्धांती और आगे कह रहे हैं 47वें सूत्र में, अनर्थक्यम च संयोगात। और बोले अगर इसको आप मान भी लो कि ये त्रैवर्णिक हैं और इसको आधान इसको माना जाए, तो बोले इसमें अनर्थकता होगी। अनर्थकता क्यों होगी? क्योंकि यहां रथकार के लिए कहा गया वर्षासु रथकारो रथकार आदधीत, वर्षा में करे। तो अगर वो ब्राह्मण होगा तो वसंत में करेगा, राजन्य है तो ग्रीष्म में करेगा, और वैश्य है तो शरद में करेगा। अब अगर उसके अनुसार करे या इसके अनुसार करे, तो उसमें वर्ण के अनुसार करेगा तो वहां कुछ अलग है, और रथकार के अनुसार करेगा तो ये वर्षा में करेगा। इस दृष्टि से अनर्थकता दिखा रहा है सिद्धांति। अनर्थक्यम च संयोगात ब्राह्मण आदिषु वसंत आदयो नियतः। ब्राह्मण आदि में वसंत आदि निश्चित हैं। तान प्रति वर्षा उच्यमाना अपि असंबद्धात अनर्थक्यम प्राप्तयो। तो उनके प्रति जो वर्षा कही जाती हुई, वर्षा ऋतु का कथन किया जाता हुआ, असंबद्ध होती हुई अनर्थक्य को प्राप्त हो, अनर्थकता होगी। तस्मात अत्रैवर्णिको रथकार इति, ये रथकार त्रैवर्णिक नहीं है। आगे पूर्व पक्षी इसको कह रहा है 48वें सूत्र में, ये इसको त्रैवर्णिक सिद्ध करना चाह रहा है, कहते गुणार्थेन इति चेत। तो पूर्व पक्षी अगर कहे कि ये तो गुण गौण कथन है इसका, ये रथकार नाम दिया गया, यद्यपि त्रैवर्णिक शिल्प विद्या से कमाते नहीं है, लेकिन कभी मजबूरी में उसको कमाना पड़ गया तो क्या करेगा, शिल्प विद्या करके कमाएगा ही वो, तो है तो त्रैवर्णिक, लेकिन अब आपत्काल में उसने रथ को बना करके अपनी जीविका चलाई है, तो वो ऐसा है, ये गौण कथन है। तो एवं चेत पश्यसी नास्ति त्रैवर्णिको रथकार। अगर आप ऐसा कहते हो कि रथकार त्रैवर्णिक नहीं है, तो प्रतिषिद्धत्वात् शिल्पोपजीवित्वस्य इति, कि शिल्पोपजीवित्व उनका निषेध होने के कारण से, तो उसका उत्तर पूर्व पक्षी दे रहा है गुणार्थे न कश्चित भविष्यति रथकार। पूर्ण विराम ले लीजिए यहाँ पर, कि कुछ प्रयोजन से, गुण के कारण से, गौण प्रयोजन से कोई रथकार, कोई त्रैवर्णिक रथकार हो सकता है, गौण प्रयोजन से, मुख्य प्रयोजन नहीं है उसका, गौण प्रयोजन है उसका। आगे कहते हैं आपदि जीवनम चैतस्य, इसके बाद फिर पूर्ण विराम लगा लीजिए, कि इसका जीवन आपति है, आपति जीवनम च एतस्य, जब आपत्ति काल में ये उसके जीवन का साधन बनेगा,
मान लो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है और वो उससे आजीविका कर नहीं पा रहा है तो क्या करे, अब वो जीविका तो चलानी पड़ेगी। ऐसे में वो कुछ इन कार्यों को अगर करता है तो ये आपत्काल में माना जाएगा, वो कर सकता है। तो ये तो रथकार तो ऐसा है, तो त्रैवर्णिक लेकिन आपत्काल में इसको बना रहा है। आपदि जीवनम चैतस्य, तो वाक्येन तस्य इदम आधानम विज्ञायते, और ये जो आधान है ये इसके वाक्य से पता लगता है, वाक्य से पता लगता है कि इसको आधान अलग से करने के लिए कहा गया है। इस पे सिद्धांति कहता है 49वां सूत्र, उक्तम अनिमित्तत्वम, कि हमने ये कहा था कि वो जो आधान करने वाले वाक्य हैं ब्राह्मणो वसंते अग्निम आददित, वो निमित्तार्थ नहीं है, वो आधान की विधि करने वाले हैं। तो उक्तम अनिमित्तत्वम, उन वाक्यों का अनिमित्तत्व कहा गया। पूर्व पक्षी जिस ढंग से बोल रहा है वहां पर उनको निमित्त मान करके कह रहा था, तो उसका निषेध कर रहा है। उक्तम एतत् अस्माभिः न निमित्तार्थानि एतानि श्रवणानि, ये वचन निमित्तार्थ नहीं है। पूर्व पक्षी किमतो यदि न निमित्तार्थानि, तो इस प्रसंग में इससे क्या फर्क पड़ता है कि ये अनिमित्तक है, तो सिद्धांति कहता है एतत् अतो भवति प्रापकाणि इति, ये निमित्तार्थक नहीं है तो प्रापक है, ये विधि हो रही है। प्रापितत्वात् तेषाम आधानस्य पुनः प्रापकम् अनर्थकम्, और चूंकि वो प्रापक हैं, आधान की प्राप्ति उनको हो चुकी है, तो इसलिए फिर से जो प्राप्ति कराई जा रही है आधान की रथकार को, वो अनर्थक हो जाएगी। इसलिए ये त्रैवर्णिकों से भिन्न है, और इसलिए ये जो आधान करने वाला है प्रापक वाक्य है, ये सार्थक होगा, नहीं तो आपके पक्ष में तो ये प्रापक वाक्य निरर्थक हो जाएगा, प्राप्ति तो पहले ही हो चुकी है उनकी। तेन यस्य अप्राप्तम तस्य भविष्यति इति, इसलिए जिसको आधान की प्राप्ति नहीं है यानी त्रैवर्णिक से भिन्न यानी शूद्र को, उसके लिए यह कथन माना जा सकता है। अथ उच्चेता, अगर ऐसा कहने लगे पूर्व पक्षी क्या कि एतद एकम निमित्तार्थम भविष्यति इति, बोलो बाकी जो वाक्य हैं वो तो चलो प्राप्ति के लिए विधि के लिए हो गए, इस वाक्य को हम नैमित्तिक मान लेंगे। तो सिद्धांत कहता है नैतद एवं अवकल्पते, व को जोड़ लेना इसमें, नैतद एवं अवकल्पते, बोले ऐसे नहीं कर सकते आप, ऐसे अर्थ नहीं निकल सकता। वसंतादि संयुक्तम तत् कथम इव वर्षा भी संबद्धेता, जो वसंतादि से युक्त हो चुका है तीन विधियों से, वो फिर वर्षा से कैसे संयुक्त होगा। इसको आप यदि निमित्तार्थ मानोगे इस वाक्य को, उन तीन वाक्यों को तो प्रापक मानोगे विधि मानोगे, और इसको निमित्तार्थक मानोगे, तो ये वर्षा ऋतु से कैसे संयुक्त होगा, विधि तो वहां पर हो चुकी है। अपिच प्रापक पक्षे आधानम विधीयते श्रुत्या, और वो जो प्रापक पक्ष है उसमें आधान किससे किया जाता है, श्रुति से किया जाता है। और निमित्त पक्षे पुनर्वर्षा विधातव्या वाक्यना, और जब निमित्त पक्ष मानोगे तो किसकी विधि की जा रही है, वर्षा की विधि की जा रही है, और वर्षा की विधि किससे होगी, वाक्य से होगी। वहां तो आधान का विधान है वो तो श्रुति से हो रहा है, आदधीता आदधीता, इस श्रुति वचन से ही आधान का विधान हो रहा है, और यहां अगर आप करने लगोगे तो वर्षा का विधान करोगे तो वो तो वाक्य से ही आएगा। और श्रुतिश्च वाक्यात् बलीयसी इति, श्रुति वाक्य से बलवती होती है। तस्मात् अत्रैवर्णिकस्य इदम् आधानमिति, इसलिए अत्रैवर्णिक का ही आधान यहां पर है, ये जो है रथकार, ये जो आधान है रथकार वाला, ये अत्रैवर्णिक का है। इसी पे सिद्धांत अपनी बात की पुष्टि के लिए और बात रख रहा है। 50वां सूत्र, सौधन्वनास्तु हीनत्वात् मंत्रवर्णात् प्रतीयेरन्, एक सौधनवा करके भी कथन आता है, जैसे रथकार है ना ऐसे ही सौधनवा भी नाम आता है, तो उसके विषय में कह रहे हैं कि वो सौधनवा जो है वो हीनत्वात्, हीन होने के कारण से। ये जिस तरह से वर्ण संकर की बात गीता में कही जाती है उसमें, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तो इनका परस्पर संतानोत्पत्ति होती है वो तो एक मानी गई, जब दूसरे से होती है तो उसमें एक ऊपर के वर्ण वाला होगा एक नीचे के वर्ण वाला होगा। अब ऊपर का वर्ण वाला पुरुष भी हो सकता है और ऊपर का वर्ण वाला स्त्री भी हो सकती है, कि ऊपर के वर्ण वाला पुरुष नीचे के वर्ण वाली स्त्री, अथवा नीचे के वर्ण वाला पुरुष और ऊपर के वर्ण वाली स्त्री, ऐसा हो सकता है क्योंकि एक वर्ण के तो वो है नहीं। तो ऐसे में जब संयोग होता है तो त्रैवर्णिक में से किसी का, विशेष का शूद्र के साथ या तो शूद्रा के साथ में जो संयोग होगा तो वो त्रैवर्णिक कहलाएगा या शूद्र कहलाएगा, उसको हम किसके अंदर माने। अब वो तो मिश्रण हो गया, तो ना तो वो त्रैवर्णिक रहा पूरा, त्रैवर्णिक में से भी किसी एक वर्ण वाला,
और न ही वो शूद्र कहला सकता है। तो शूद्र से तो वो अच्छा है और त्रैवर्णिक से निचला है। हम मान लीजिए गाय और भैंस का दूध है, हम गाय के दूध को अच्छा मानते हैं, भैंस के दूध को हल्का मानते हैं। तो शुद्ध गाय का दूध है वो श्रेष्ठ होगा और भैंस का दूध है उससे कम होगा, लेकिन अगर दोनों का मिला हुआ हो तो उसको क्या मानेंगे, उसको गाय का दूध माने या भैंस का दूध माने? तो हम कहेंगे भी गाय के दूध से तो कम है क्योंकि कुछ गाय का दूध है, लेकिन भैंस के दूध से अच्छा है क्योंकि इसमें कुछ गाय का दूध भी है, तो उससे ऊपर करके बीच में मानेंगे। तो ऐसे तो सौधनवान अस्तु हीनत्वात्, ये हीन है थोड़ा सा त्रैवर्णिकों से, इसके लिए अलग से कथन किया गया मंत्रवर्णात् प्रतियेरन, और मंत्रवर्ण से शास्त्र के मंत्र के भी संकेत से इस बात की पुष्टि होती है। बादशाह देखिये, न तो सर्व एव अत्रैवर्णिको रथकार, ये जो रथकार है ये पूरा का पूरा अत्रैवर्णिक नहीं है। यानी अत्रैवर्णिक का मतलब है शूद्र, तो बोले रथकार पूरा का पूरा शूद्र नहीं है, थोड़ा शूद्र है। अब ये रथकार का मतलब वो रथ को बनाने वाला नहीं है, ये एक अलग से परिभाषाएं चलती हैं। यहां इन्होंने लिखा है माहिष्य है और करणी है, ये जो अलग अलग हैं नाम इन्होंने दिए हैं, ऐसा ऐसा चलता है। और ये सुधनवाचार्य, सुधनवा जो है उसके लिए कहा कि वैश्य से सवर्णा स्त्री में उत्पन्न सुधनवाचार्य होता है, चलो उसको छोड़ देते हैं। तो ये कह रहा है कि ननु न तु सर्व एव अत्रैवर्णिको रथकार, ये रथकार है ये पूरा का पूरा शूद्र नहीं है। सौधनवना इत्येष जाति वचना शब्द, और जो सौधनवना है ये जातिवाची शब्द है, जैसे कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ऐसे सौधनवा भी एक बीच की स्थिति है। सौधनवना नाम जाति रवि दीयते, सौधनवा सौधनवना नाम, ये बहुवचन में है तो होता है जाति सौधनवना, सौधनवन है सौधनवना, इस नाम की जाति कही जाती है। हीनास्तु किंचित त्रैवर्णिकेभ्यो जात्यंतरम, और ये त्रैवर्णिकों से थोड़ी क्षीण हीन होती है, न तो शूद्रा लेकिन शूद्र भी नहीं होती है, न वैश्या न क्षत्रिय, न वैश्य होती है न क्षत्रिय होती है। तेषाम इदम आधानम, उनके लिए ये आधान कहा गया है। कथम अवगम्यते, कैसे जाना? तो प्रसिद्ध है मंत्रवर्णाच, प्रसिद्धि से और मंत्रवर्ण से, लोक में भी ऐसा प्रसिद्ध है और मंत्र में भी देखा जाता है। मंत्रवर्ण क्या है? तो मंत्रवर्णों ही बहुत ही, सौधनवना ऋभव सूर्य चक्षसः, तो ये जो सुधनवा होते हैं ऋभु और बुद्धिमान, सूर्य चक्षसः ये बुद्धिमान है। इति तो ऋभुणाम त्वा इति रथकार से आधान मंत्र, रथकार के आधान का मंत्र शास्त्रों में दिया गया है, ऋभुणाम त्वा ये मंत्र मिलता है। तो यहां पर देखो ऋभु शब्द आ गया, उधर सौधनवना ऋभव सूर्य चक्षा, या सौधनवना और ऋभु आया, रथकार के संदर्भ में ऋभु वाला मंत्र पढ़ा गया और ऋभु का संबंध सौधनवा, ऋभु शब्द सुधनवा के साथ में पढ़ा गया है, तो ये जो सौधनवन है ये ही रथकार है, ऐसा ये सिद्ध कर रहे हैं। तस्मात सौधनवना ऋभव इति, सौधनवना जो है वो ऋभु होते हैं और ऋभवश्च रथकार, और ऋभु रथकार होता है। अपिच नेमिम नयंती ऋभवो यथा, तो जो ऋभुवा जिस तरह से ऋभु नेमी को ले जाते हैं, नेमी मतलब रथ का पहिया होता है, उसके बीच का भाग होता है, तो इति ये नेमिम नयंती ते ऋभवा इत्युच्यन्ते, जो नेमी को ले जाते हैं वो ऋभु कहलाते हैं। रथकाराश्च नेमिम नयंती, और जो रथकार होते हैं वो नेमी को ले जाते हैं, उनका काम ही यही है। रथ चक्र का जो घेरा होता है ना, रथ का चक्र का जो बाहर वाला घेरा होता है उसको नेमी बोलते हैं। आपने देखा होगा पहले जैसे बैलगाड़ी में करते हैं ना, तो बीच में मोटा होता है, उसमें धुरा होता है, फिर वो पहिया बना होता है, आरे होते हैं उसके चारों तरफ बना हुआ होता है लकड़ी का, और उसके ऊपर आप देखते होंगे एक लोहे की पतरी उसके ऊपर चढ़ा देते हैं ताकि लकड़ी तो फिर तो घिस जाती है, तो वो जो चारों वाला भाग होता है उसको नेमी बोलते हैं। तो नेमिम नयंती, नेमी को जो लेकर के जाते हैं तो कौन लेके जाए? बोले रथकार लेके जाते हैं, उनका काम ऐसा है, ऊपर वाले भाग को घेरे को लेकर के जाते हैं वो। तस्मात अत्रैवर्णिका नाम अशूद्रणाम एव एतत् आधानम इति, तो इसलिए जो ये आधान है ये अत्रैवर्णिकों का है, लेकिन रथकार के लिए वो स्वीकार किया गया, प्रतिषेध था और उसमें उसको प्राप्ति कराई गई है, हो गया। ऐसा ही देखिए एक और शब्द है, अगला अधिकरण है 13वां, निषाधस्थपत्यधिकरणम, निषाद निषाद स्थपति, निषाद
स्थपति, निषाद की कथा आती है ना, किसे कहते हैं निषाद? रामायण में जो आती है निषाद है, मल्लाह को निषाद बोलते हैं, और निषाद आखेटक को भी बोलते हैं, जो आखेट करते हैं ना, हाँ आखेटक को बोलते हैं, नाभि के जो धीवर होता है उसको भी, तो निषाद वाली जो कहे, तो निषाद और एक शब्द है स्थपति, निषाद स्थपति। अब देखो इसमें वो समास वाली बात आएगी जो मैं पहले कह रहा था कि निषाद स्थपति में कौन सा समास माने, निषाद और स्थपति द्वंद्व समास, तो दो चीजें हो जाएंगी फिर, पर यहां पर द्विवचन आना चाहिए ना, निषाद अलग है स्थपति अलग है, तो ये दो चीजें हो जाएंगी। अगर यहां षष्ठी समास मानेंगे तो निषादों का जो स्थपति, स्थपति का मतलब है राजा स्वामी, निषादों का जो स्वामी है राजा है उसको कहेंगे निषाद स्थपति। और अगर यहां कर्मधारय मानेंगे तो निषाद भी वही है और स्थपति भी वही है, निषादों में जो श्रेष्ठ है निषाद भी है और श्रेष्ठ भी है वो। मूर्खों का राजा मूर्ख होगा या मूर्खों से भिन्न होगा? मूर्खों का राजा मूर्ख होगा या मूर्खों से भिन्न होगा? एक दृष्टि तो है कि वो मूर्ख ही होगा। अब देखो निषाद का स्थपति, निषाद का राजा, तो इस दृष्टि से देखेंगे तो निषाद तो अलग हो गए, और उनका राजा कौन होगा? त्रैवर्णिकों में से कोई होगा। निषाद का राजा नहीं, हाँ निषाद का स्थपति, निषाद का राजा मतलब निषाद से भिन्न उनका कोई राजा कोई और है। और जब यूं करेंगे कि निषाद भी वही है और स्थपति भी वही है, निषाद भी है और राजा भी वही है, तो वो जो राजा होगा वो खुद निषाद भी होगा। या तो निषादों में जो श्रेष्ठ है, स्थपति मतलब श्रेष्ठ, तो निषादों में भी जो श्रेष्ठ है उसको निषाद स्थपति कहते हैं। तो अब यहां पर होगा कि यहां पर कौन सा समास लिया जाए, वो चर्चा चलेगी। तो निषाद स्थपत्य अधिकरण, हम निषाद स्थपति के बारे में यहां पर कहा जा रहा है, उसको वो भी आधान करेगा। कैसे करेगा? देखिए वचन क्या है, वास्तुमयम रौद्रम चरुम निर्वपेत। वास्तुमयम, वास्तु कहते हैं, वास्तु कहते हैं बथुए को, तो बथुए के जो बीज हैं उससे बने हुए चरु को रुद्र देवता के लिए निर्वाप करें, बथुए के बीज से। इसमें चिकित्सा भी उपचार भी कह सकते हैं, यहां पर कुछ उनका ऐसा रहा हो। और रुद्र कौन है? तो बोले कि यस्य रुद्र प्रजा शमयेत। कौन करे? कि रुद्र जिसकी प्रजा का शमन कर दे, प्रजाओं का शमन कर दे। रुद्र मतलब तो ज्वर हो गया, और वो जिसकी प्रजाओं को नष्ट करे यानी बुखार के कारण वो मर जाए, ऐसा व्यक्ति बथुए के बीज से बने हुए चरु का रुद्र देवता के लिए निर्वाप करे। ठीक है, आगे लिखा, इति एताम इष्टिम प्रकृत्य उच्यते। इस इष्टि का प्रकरण में करके फिर कथन किया जा रहा है, एतया निषादस्थ पतिम याजयेत। इसके द्वारा किसको यजन कराए? निषादस्थ पति को इससे यजन कराए। निषादस्थ पति के लिए कथन हो गया, यानी उसके लिए यजन की प्राप्ति हुई। अब प्रश्न फिर वो का वही आ रहा है कि निषादस्थ पतिम प्रति संदेह किम अधिकृतम, अधिकृताम नहीं, किम अधिकृतान, अधिकृता नाम अन्यतम उत अन्य एवं। ये जो अधिकृत है त्रैवर्णिक, उन्हीं के अंतर्गत है या उनसे भिन्न है ये? जैसे पीछे हमने देखा था उसी तरह से इसके लिए भी प्रश्न आएगा कि कौन है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है अन्यतमा इति ब्रूमः, ये उन्हीं में से होना चाहिए, त्रैवर्णिकों में से। क्यों? सही समर्थ, क्योंकि वो त्रैवर्णिक है वही समर्थ होते हैं, तो ये भी अगर समर्थ है तो ये भी त्रैवर्णिक ही होना चाहिए, उसका हेतु इस तरह से बन रहा है। सही समर्थः, समर्थ के बाद में जो पूर्ण विराम है उसको काट दीजिए, विद्वत्वात् अग्निमत्वाच्च, ये हेतु है इसी के साथ साथ, या तो अल्प विराम ले लीजिए, विद्वान जानकार होने से और अग्नि वाला होने से, ये दो हेतु हैं। अन्यो अविद्वत्वात् अनग्नित्वात् असमर्थ इति, जो अन्य होगा यानी त्रैवर्णिकों से जो अन्य है वो विद्वान नहीं है, जानता नहीं है और अग्नि से रहित है, इसलिए वो तो असमर्थ हो जाएगा। तो ये याग कर रहा है, इसी से पता लग रहा है कि त्रैवर्णिकों के अंतर्गत आता है। अब इस पर सिद्धांति कह रहा है, ननु निषादस्थपति शब्दस्तत्र नोपपद्यते। बोले जो आप जैसा अर्थ कर रहे हो त्रैवर्णिकों में, तो उसमें निषादस्थपति शब्द की संगति ही नहीं लग रही है। तो ये निषादस्थपति शब्द त्रैवर्णिकों को कथन करने वाला तो होना चाहिए, बोले ये तो संगति ही नहीं लग रही है, उसको कहने वाला ही नहीं हो रहा है।
पुरुष परिचय कह रहा है उच्चते न नोपपद्यते, ऐसा नहीं है कि ये संगत नहीं हो रहा है। देखो मैं करके बताता हूं, तो निषादानाम स्थपति रीति षष्ठी समासो भविष्यति, निषादों का जो स्थपति है वो ये षष्ठी समास हो जाएगा, और श्रेष्ठो निषादानाम, निषादों का जो निषादों में जो श्रेष्ठ होता है यानी निषादों का जो पति इस राजा है वो, तस्मात अधिकृताधिकारम एतत् शास्त्रमिति। तो निषाद तो भले जो भी हो लेकिन निषादों का जो स्थपति है वो तो त्रैवर्णिकी होगा, वो भी शिल्पोपजीवी है निषाद भी, तो त्रैवर्णिक होगा नहीं, लेकिन उसका जो स्वामी होगा वो तो त्रैवर्णिक होगा, तो उसके लिए याग कहा जा रहा है, तो वो तो त्रैवर्णिकों में से ही कोई होगा, दूसरा नहीं होगा, और वो प्राप्ति ही है पहले से, ये षष्ठी समास कर रहा है। अब इसके ऊपर सिद्धांती कह रहा है 51वां सूत्र, स्थपतिर निषाद स्यात शब्द सामर्थ्यात्, बोले शब्द की सामर्थ्य से ये जो स्थपति है ये निषादी होगा, ये जो स्थपति है ये निषादी होगा। जब षष्ठी समास कर रहे हैं तो ये स्थपति निषाद से भिन्न है, जैसे कि राजपुरुष है, राजा का पुरुष, तो ये जो पुरुष है वो राजा से भिन्न है, राजा नहीं है, राजा नहीं है वो, ऐसे ही निषाद का स्थपति तो वो निषाद से भिन्न है, निषाद नहीं है वो। तो सिद्धांती कह रहा है कि ये जो स्थपति है वो निषाद ही है, ये कर्मधारय मान के कर रहा है कि जो निषाद भी वही है और स्थपति भी वही है, निषादश्चासौ स्थपतिश्च, ये कर्मधारय कर रहा है, क्यों शब्द के सामर्थ्य से, शब्द की सामर्थ्य ये कह रही है। अब देखो ये व्याकरण की दृष्टि से प्रश्न उठेगा कि निषाद स्थपति में षष्ठी समास भी दिख रहा है और तत्पुरुष समास भी दिख रहा है, कर्मधारय भी दिख रहा है, तो हम कौन सा समास मान करके अर्थ करें, कैसे निर्णय करेंगे बताओ। इस सूत्रकार कह रहा है कि शब्द की सामर्थ्य यह है कि यहां पर तत्पुरुष समास करेंगे, कर्मधारय या षष्ठी समास नहीं कर सकते। अब इसमें भी देखो बलाबल को लाएंगे, ये कितने विचित्र ढंग से देखते हैं जो कि हम व्याकरण में उस तरह का देखते ही नहीं है, हालांकि बातें वहीं से जुड़ी हुई हैं, ये व्याकरण के आधार पर ही निर्णय करेंगे, लेकिन व्याकरण पढ़ते हुए हमारे को इस तरह से सोच रहता नहीं है क्योंकि उस तरह की समस्या ही नहीं वहां पर प्रस्तुत की जाती है, लेकिन जो हेतु देगा वो व्याकरण वाले समझ लेंगे कि हाँ ये बात तो ठीक ही कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं देखते हैं, देखो आपको ठीक लगती है नहीं लगती है। तो बोले स्थपतिर निषाद स्यात, स्थपति तो निषाद हो, निषाद एवं स्थपतिर भवितुम अर्हति, जो निषाद है वही यहां पर स्थपति हो सकता है, यानी समानाधिकरण्य है, कर्मधार है, दूसरा नहीं हो सकता। कस्मात, बोले शब्द सामर्थ्यात, शब्द की सामर्थ्य यह है, कैसे, तो बोले निषादम ही निषाद शब्द शक्नोति वदितुम श्रवणे नैव, जो निषाद है निषाद शब्द है ये निषाद को ही कह सकता है, किससे, श्रुति से, वे निषाद है वो निषाद को ही कहेगा, तो ये तो श्रुति कह रही है। अब ये कैसे, निषाद निषाद को कहेगा, ये कौन से समाज में निषाद निषाद को कह रहा है और कौन से समाज में निषाद निषाद को नहीं कह रहा है, भाई दोनों ही जगह तो निषाद निषाद को कह रहा है, पर ये कह रहा है कि नहीं कर्मधारय में तो निषाद निषाद को कह रहा है और षष्ठी समास में निषाद निषाद को नहीं कह रहा है, या लक्षणा करनी पड़ी और दूसरे को कह रहा है, जैसे कि निषाद का पति स्वामी, तो अब जो निषाद स्थपति है ये शब्द निषाद को थोड़ा ना कह रहा है, ये तो स्थपति को कह रहा है, षष्ठी समास आते ही तो उत्तरपद प्रधान हो जाएगा। राज पुरुष में जो राज शब्द है ये राजा को कह रहा है या नहीं कह रहा है, देखो दो तरह से उत्तर आएगा इसमें, दोनों बातें दिखाई देंगी, राज पुरुष में राज शब्द राजा को कह रहा है या पुरुष को कह रहा है, षष्ठी समास कह रहा हूं, राज्य है पुरुष है राज पुरुष है, अब इसमें राज शब्द राजा को कह रहा है या पुरुष को कह रहा है, श्रुति से, अगर राजा शब्द राजा को ही कह रहा है तब तो ये तो श्रुति से हुआ, और अगर ये पुरुष को कह रहा है तो ये श्रुति नहीं होगी, लक्षणा से पुरुष को कहेगा। तो देखो जब हम विग्रह करते हैं राज्य है पुरुष है राज पुरुष है, राजा का पुरुष, तो यद्यपि राज शब्द राजा को कहता हुआ भी राज पुरुष समस्त पद में राजा को नहीं कह रहा है, वो पुरुष के कहने में विद्यमान है, राजा को कहता हुआ भी वो पुरुष को कहने में विद्यमान है, तो वास्तव में ये राजा को नहीं कह रहा है, जो कुल समस्त पद का प्रयोजन आ रहा है उत्तर पद की प्रधानता है, तो वास्तव में ये राजा को नहीं कह रहा है, तो ये नहीं श्रुति नहीं आ रही है यहां पर। और यदि हम राजा भी वही है पुरुष भी वही है ऐसा कहेंगे, तो
तो अब पुरुष भी पुरुष शब्द को कह रहा है और राज भी राजा को ही कह रहा है, ये श्रुति है, तो श्रुति बलवती होती है। तो इसलिए यहां पर तत्पुरुष कर्मधारय समास लेना चाहिए। अगर षष्ठी समास और तत्पुरुष समास दोनों आ रहे हों और कोई बाधक हमारे को लग नहीं रहा है तो वहां पर तत्पुरुष समास ही लेना चाहिए, वो बलवान है। हाँ, षष्ठी और कर्मधारय, हाँ षष्ठी और कर्मधारय, तो कर्मधारय ही लेना चाहिए वहां पर, षष्ठी समास नहीं लेना, षष्ठी तत्पुरुष नहीं लेना चाहिए, षष्ठी तत्पुरुष या कोई भी विभक्ति हो वहां पर, ये इनका एक इसमें निर्णय है। बलवत्ता देखी जाएगी तो जो श्रुति बलवती होती है, इसलिए श्रुति के आधार पर कर्मधारय समास ही यहां पर लेना चाहिए। देखिए भाष्य को, तो बोले निषादम ही निषाद शब्द शक्नोति वद तुम श्रवणे नैव, श्रवण से ही निषाद शब्द निषाद को कह रहे हैं। निषादानाम तो स्थपतिम लक्षणया ब्रूयात, और निषादों के स्थपति को अगर कहना हो, राजा को कहना हो, तो ये लक्षणा से कहेगा, क्योंकि निषाद शब्द अब निषाद के अर्थ में नहीं है, क्योंकि निषाद वहां पर संगत नहीं है, तो उसके समीपस्थ उसका जो राजा है उसके कहने में विद्यमान हो गया, तो ये लक्षणा से होगा। और श्रुति लक्षणा विशेष है, श्रुतिर न्याय न लक्षणा, श्रुति और लक्षणा में श्रुति बलवती होती है, इसलिए यहां पर कर्मधारय ही होगा, षष्ठी समास नहीं मानेंगे। पूर्व पक्षी इस पर थोड़ी सी अपनी बात और रख रहा है, अत्रोच्यते नहीं से दोष, बोले ये कोई दोष नहीं है, निषाद शब्दो निषाद वचन है, वह यहां पर निषाद शब्द तो निषादी को ही तो कह रहा है, और किसको कह रहा है? आप कह रहे हो कि लक्षणा से और कहीं जा रहा है, नहीं, निषाद शब्द तो निषाद को ही कह रहा है। षष्ठी संबंध से वाचिका ही थी, बोले यहां पर जो षष्ठी है ना, ये संबंध की वाचिका है। जब हम कहेंगे निषाद से स्थपति, तो इसमें षष्ठी ला करके निषाद, जिस समय निषाद से या निषादा नाम, तो यहां पर निषाद शब्द निषाद को ही कह रहा है, षष्ठी संबंध को बता रही है, उससे जो संबंधित है उसको कह रहा है, तो ये तो श्रुति से अपने जिसको कहना था उसी को ही कह रहा है, आप लक्षणा क्यों ला रहे हो यहां पर? तो षष्ठी संबंध से वाचिका आई थी, सिद्धांति कह रहा है तन्ना, बोले षष्ठी अश्रवणा, बोले षष्ठी तो यहां पर सुनी ही नहीं जा रही है, षष्ठी कहां दिख रही है, समस्त पद में षष्ठी कहां दिखाई दे रही है? नात्र षष्ठी श्रेणु में, हम तो यहां षष्ठी को देख ही नहीं रहे हैं। तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं आह लोप सामर्थ्यात षष्ठी अर्थो अवगम्यते इति, लोप के सामर्थ्य से कि षष्ठी का लोप हो जाता है समास में, मध्यवर्ती विभक्ति का, अंतर्वर्तिनी विभक्ति का, तो लोप के सामर्थ्य से हम षष्ठी को जान लेंगे। तो सिद्धांति कहता है सत्यम अवगम्यते, ठीक है षष्ठी का अर्थ तो जाना जाता है, लेकिन न तो लोपे न, लोप से नहीं जाना जाता है। अच्छा, यहां पर निषाद स्थपति है, हम जब षष्ठी कहते हैं तो बोले कैसे षष्ठी है, बोले षष्ठी का लोप हो गया, हम यही तो उत्तर देते हैं, कैसे आप षष्ठी मान रहे हो, तो हम ये उत्तर दे रहे होते हैं कि षष्ठी दिख नहीं रही है, वो चली गई है, लेकिन है षष्ठी। तो बोले लोप से तो षष्ठी का पता नहीं लग रहा है यहां पर, हाँ आप ये हेतु दे रहे हो कि षष्ठी थी और लोप के कारण से यहां नहीं है, आप कारण बता रहे हो कि यहां षष्ठी क्यों नहीं है, लेकिन लोप से यह तो सिद्ध नहीं होता कि यहां पर षष्ठी थी, लोप तो किसी भी विभक्ति का हो सकता है वहां पर, तो लोप कोई हेतु नहीं बनता है कि यहां लोप हो गया इसलिए यहां पर हम षष्ठी मान रहे हैं, वो तो व्यभिचरित है, अन्य विभक्तियां भी हो सकती हैं। तो बोले नात्र षष्ठी लोप सामर्थ्यात षष्ठी अर्थो अवगम्यते इति, तो सिद्धांत कह रहा है सत्यम अवगम्यते, जाना तो जा रहा है लेकिन न तो लोप है न, लोप से तो नहीं जा रहा है। तो पूर्व पक्षी पूछता है केन तरही, फिर षष्ठी का अर्थ आप निकाल कैसे रहे हो यहां से? तो बोले निषाद शब्द लक्षणया, निषाद शब्द में लक्षणा करने पर यह अर्थ निकल करके आता है। तस्याश्च दौर्बल्यम इत्युक्तम, और लक्षणा कई दुर्बलता पहले कही जा चुकी है। और समानाधिकरण ने समास अस्तु बलियान, समानाधिकरण समास षष्ठी समास की अपेक्षा बलवान है। क्यों? तत्र ही स्वार्थे शब्दौ वृत्तौ भवता, क्योंकि उसमें दोनों शब्द अपने स्वार्थ में ही विद्यमान है, श्रुति के ही अर्थ को दे रहे हैं, षष्ठी समास में श्रुति अर्थ को नहीं दे रहे हैं, दोनों उत्तरवर्ती तो दे रहा है, पहला वाला नहीं दे पा रहे हैं। द्वितीय च विभक्ति तंत्रेण उभाभ्याम संपत्यते, और जो द्वितीय विभक्ति है वो तंत्र न्याय से दोनों के साथ में जुड़ जाएगी। द्वितीय विभक्ति कैसे? निषादस्थपतिम याजयेत, एतया निषादस्थपतिम याजयेत, तो निषादस्थपतिम में द्वितीय विभक्ति है, स्थपतिम में, तो बोले तंत्र न्याय से ये तो निषादम स्थपतिम, निषादम च स्पतिम स्थपतिम च निषादश्चासौ स्थपतिश्च, ऐसा करके, तो बोले द्वितीय विभक्ति तो दोनों के साथ में जुड़ जाएगी तंत्र न्याय से। तेन द्वितीय निर्दिष्टो निषादो गम्यते, इसलिए यहां पर जो निषाद है ये द्वितीय निर्दिष्ट है और निषाद को ही यजन कराया जा रहा है। जब हम षष्ठी समास लेंगे तो निषाद के स्थपति को याज कराया,
ये आधान कराया जा रहा है, याजयत यजन कराया जा रहा है, तो उसमें द्वितीय विभक्ति किससे जुड़ रही है? स्थपति से जुड़ रही है, निषाद से नहीं जुड़ रही है। निषाद को यजन नहीं कराया जा रहा है, स्थपति को कराया जा रहा है, वो त्रैवर्णिक में चला जाएगा फिर पूर्व पक्षी की दृष्टि से। और अगर कर्मधारय मानेंगे तो स्थपति की जो द्वितीय है वो निषाद में भी आएगी तंत्र न्याय से। तो इससे एकदम स्पष्ट हो जाता है कि ये जो यजन कराया जा रहा है वो निषाद को कराया जा रहा है, और ये जो निषाद है ये त्रैवर्णिक से भिन्न है। तो तेन द्वितीय निर्दिष्टो निषादो गम्यते तत्र षष्ठ्यर्थम कल्पयन अश्रुतम गृह्णीयात्। और जो आप अगर यहां पर षष्ठ्यर्थ को लोगे तो वो अश्रुत का ग्रहण करोगे। अश्रुत का ग्रहण मतलब जो यहां पर सुना नहीं गया है उसका ले रहे हो। अब देखो निषादस्य स्थपति, स्थपति में द्वितीय विभक्ति है वो तो श्रुत है, और समान अधिकरण ने मान करके तंत्र न्याय से हम निषादम में भी ला रहे हैं, तो कम से कम द्वितीय श्रुत तो हो रही है वहां पर। लेकिन जब हम निषादस्य स्थपति बोल रहे हैं तो स्थपति में द्वितीय तो दिखाई दे रही है, षष्ठी तो किसी तरह श्रुति ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम ला रहे हैं, तो ये दुर्बल माना जाएगा। तो तत्र षष्ठ्यर्थम कल्पयन अश्रुतम गृह्णीयात् तस्मान् निषाद एव स्थपति स्यात्। निषाद ही स्थपति होगा। आगे 52वां सूत्र लिंग दर्शनाच्च, बोले इससे भी हमारी बात पुष्ट होती है कि लिंगम दृश्यते से एक संकेत मिल रहा है कि कूटम दक्षिणायति निषादस्य द्रव्यम दर्शयति। वहां पर कूट की दक्षिणा है। ये कूट क्या है? कोई अस्त्र शस्त्र है? ये सारी चर्चा नीचे लिखी है पर उसका स्पष्ट नहीं हुआ कि आखिर चीज क्या है, कोई चीज है, उसकी दक्षिणा यहां पर दी जाती है। कहते हैं निषादस्य द्रव्यम दर्शयति। ये जो द्रव्य है कूट, ये निषाद से संबंधित है, औरों से संबंधित नहीं है, ये निषाद से संबंधित है। इति निषादस्य द्रव्यम दर्शयति कूटम ही निषादानाम एव उपकारकम न आर्याणाम। ये जो कूट है निषादों का ही उपकारक है, अन्य को नहीं। एक जो कूट है ना, हम बोलते हैं जो गाडूले लुहार और लुहार जो नीचे वाला पात्र वो एक चौकोर सा रखते हैं नीचे मोटा लोहे का, जैसे हम कूटस्थ नित्य बोलते हैं ना, कूटस्थ नित्य, कूट का मतलब वो होता है उसकी तरह से जो नित्य होता है, क्योंकि जब वो कूटते पीटते हैं उसमें तो नीचे वाला है वो तो झुकतू रहता है, और ऊपर जो लाल लाल करके गर्म करके करते हैं उसकी वो दराती बनाएंगे और कुछ कुल्हाड़ी बनाएंगे, उसमें परिवर्तन होता जाता है, तो जो अपरिवर्तनशील है वो कूट कहलाता है। तो कूट की दक्षिणा दी गई, कूट का मतलब वो। अब क्योंकि ये रथकार होगा तो उसको भी इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, कहीं पट्टी लगाएगा कुछ और लगाएगा, तो उसको कूट रथकारों से जुड़ा हुआ, शिल्पियों से जुड़ी हुई चीज है ना। आर्याणाम, आर्यों की यानी त्रैवर्णिकों की ये नहीं है। एवं स्वम एव तन निषादानाम इति। तो इस प्रकार से तत्, तत् मतलब वह कूट, निषादानाम एव स्वम, इसमें अन्वय ऐसे करेंगे, तत् निषादानाम एव स्वम, तत् मतलब वह कूट निषादों का ही स्व यानी अधिकृत होता है, तो इसलिए यहां पर पता लगता है कि इनको भी इसका अधिकार है। तो निषाद स्थपत्य अधिकरणम, निषाद के स्थपति को भी याग का विधान है, ये यहां पर सुना जाता है। और बाकी इसमें इन्होंने काफी चर्चा की है युधिष्ठिर जी ने, उसको देख लेना, सिद्धांत की दृष्टि से कुछ चर्चाएं हैं। अब हमने तो भाष्य और सूत्र को वाक्य रचना की दृष्टि से यहां पर क्या अर्थ होना चाहिए उतने दृष्टि से देखा है। कुछ बातें जो लिखी हुई हैं वो सिद्धांत विरुद्ध भी आ जाती हैं, उनको अधिकार है या नहीं है इत्यादि, वो विवेचना आगे युधिष्ठिर जी ने की है। तो इस प्रकार ये छठे अध्याय का प्रथम पाद समाप्त होता है। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणवध्वनि ओ सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।